श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। कथकल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु आविर्भूत हुए हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। रिजाव में कहते हैं अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए को ब्राह्मण वेद पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है तब तक मैं इसी जगत में जन्म ग्रहण करके दुष्टों को विनाश करता हूँ और धर्म को मैं स्थापन करता हूँ। कहते ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण है बोले अनुग्रहाय भक्तानां करवी विविध क्रिया। बोले भक्तों को मैं कृपा करने के लिए आता हूँ। अगर जैसे हम कल हम लोग ने भगवान राम का भी जन्मोत्सव मनाया, भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव मनाया, अगर प्रभु लीला नहीं करते प्रभु जन्म नहीं लेते फिर क्या हम ठाकुर जी कथा सुनते? फिर दुनियादारी की संसार की मोह माया की बात सुन करके संसार में हम भटकते रहते हैं। कहते मैं भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए मैं सुंदर सुंदर लीला करते हुए उनका मंदिर किसी एक बच्चे को देख लेना उनको इच्छा करता है इसमें हम गोद में लेकर के हम प्यार करें, ये माताओं के भी स्वभाव है। अभी उनको बेटी जब भगवान वामन देव को देखे भगवान स्वयं अद्भुत सुंदर थे ठाकुर जी, उनकी बेटी की मन में इच्छा हुई अगर ये मेरे बेटा बन करके आता ना दिन भर इसको गोद में लेकर के मैं प्यार करती। भगवान भाव की भूखे ही ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं मैं बेटा बन करके आ जाऊँगा। लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ नाप लिया अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं तो उन्होंने वरुण जी को बुलाए बोले इसको बांध दो। जब उनको नाग भास बंधन में बांध दिए अभी रत्न वाला सोच रही है तो बड़ा दुष्ट है मेरे पिताजी का सर्वस्व अपहरण करके ले लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया। फिर अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। इसलिए वही रत्न वाला कृष्ण लीला में कभी ये पुतना बन करके आते। अभी हम पुतना की कथा सुनेंगे बड़ी बड़ी बात है। कभी ये एक कारण है। उसका चौथा कारण है बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता ये वनवास में जा गए थे अभी रावण का बहनी जो सुपर्ण था अभी प्रभु राम की इतने सुंदर रूप देख करके वो तो बाबरी बन गई। वो बड़ी सुंदरी रूप धारण करते हुए आई और प्रभु राम के बोले देखो मैं जितने सुंदरी है ना तेरे को परमात्मा भी इतना सुंदर बनाया, हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी है तू मेरे से शादी कर ले। भगवान राम ने कहा देखो ये मेरी सीता ऑलरेडी है मैं और शादी नहीं कर सकता। इतने में लक्ष्मण ने गया था लकड़ी लेने के लिए जंगल से, इतने में लक्ष्मण आया बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले भैया ये भी तो देखने में कम सुंदर थी ये बड़े सुलीला, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है कुछ करने के लिए? बोले लक्ष्मण तू मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण बोले अभी अभी बड़े भैया से कुछ प्रार्थना कर लेती। बोले वो मेरे प्रेम को समझा नहीं। लक्ष्मण बोले ये बताओ दासी बनना दासी बनोगे ना राजरानी? बोले राजरानी। बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ मेरे से शादी करोगे ना सेवकाई करते करते थक जाओगे कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख रही जा प्रभु के पास में जा। फिर राम को पास में गए फिर इनकार कर दी। सुपर्ण का बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं प्रार्थना करने नहीं आई हूँ मैं रावण का बहन मैं सुपर्ण का हूँ ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है इसको मैं खा जाती हूँ वो असली रूप में आ गई। इतने में राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया इसका नाक काट और उसने नाक काट को काट दिया।
हाँ देखो भैया, शादी नहीं करना तो मत शादी करो, तो इनका नाक काट के कटवा दिए। जो लक्ष्मण है ये गुरु है। गुरु का काम होता है शिष्य को उपयुक्त बना करके प्रभु की सेवा में लगा। लक्ष्मण समझ गए ये सुपर्णखा प्रभु के हृदय में बैठा चुकी है और भगवान भाव के भूखे हैं और ठाकुर भी स्वीकार कर लिए, इसलिए लक्ष्मण उसको ना कान काट दिए। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, अगर उसको ना कान काट दो दुनिया में उसको कोई पूछेगा कर, मतलब और किसकी बन करके मत रहना, बन करके रहना तो राम का ही बन करके रहो, इसलिए उसको ना कान काट दिया। फिर वही कृष्ण लीला में ये ऊंचा बन करके आती है और भगवान कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। देखो जो कृष्ण है ना वो ऐसे के देवता है, वो किसी को छोड़े ही नहीं, वो कुब्जा को भी छोड़े नहीं, उतना को भी छोड़े नहीं, सुपर्णखा को भी छोड़े नहीं। अगर प्रभु कृष्ण के पास ना किसी रूप में आ जाओ, केवल इतना बोल दो प्रभु तू मेरा और मैं तेरा हूँ, बस इतने में कृष्ण रीझ जाते ही और ठाकुर जी सबको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी किसी को छोड़े नहीं। यदि ये एक कारण है कृष्ण क्यों आए, कितना कारण हो गया? आप लोग कोई गिर रहे हो, कितना कारण हो गया, कितना हो गया, चार हो गया, चार ना पांच हो गया, पांच हो गया, मेरे को याद है। हाँ ठीक है, छठवां कारण सुनो कि जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, श्री विश्वामित्र जी को बोले गुरु जी थोड़ी सी आदेश दे दो, हम ये जनकपुरी थोड़ा दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, जनकपुरी को दर्शन देख करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश किए, वो जोड़ी इतने प्यारी इतने सुंदर प्रभु देखने में थे, जैसे मानो एक साथ में चंद्र सूर्य प्रकट हो गए। दोनों का हाथ में धनुष बाण मुकुट पहने हुए, एक श्याम रंग की थी गौर रंग की, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर पहने हुए, बड़ी सुंदर थे। जिस गली में जाए उसी गली में हला हो जाती थी। बोले श्री राम लक्ष्मण की, कोई जयकार नहीं दे जोर से बोलो, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए जय जयकार, और जितने किशोरियां थी ना सीता जी की सहेली, कोई छत से खड़े होकर की कोई झरखों से, सबके सब दर्शन कर लेते। लेकिन प्रभु राम का एक नियम था, वो कभी भी सर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी भी प्रभु नहीं देखते, हर समय सर को नीचे करके चलते थे। क्यों? ये मर्यादा पुरुषों का प्रभु राम है, ये दुनिया को मर्यादा उन्होंने सिखा दिया है, अपना पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों को ऊपर में कभी बुरी नजर में नहीं देखनी चाहिए। प्रभु राम सर झुका करके चल रहे थे। अभी जो झरने से देख रहे थे उनको तो दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में थी ना उनको दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में वो दर्शन करने के लिए थोड़ी सी खांसी, इतने में लेकिन राम तो इधर उधर देखने वाले नहीं, वो सर नीचा करके जा रहे थे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण गुरु जी है, गुरु जी का काम क्या है, ये जीवात्मा को परमात्मा को मिलन कराए, ये गुरु जी की काम है। अभी लक्ष्मण ने प्रार्थना की, बोले प्रभु जी देखो तुम्हारी को जो भक्त है ना, देखो छत के ऊपर में खड़े होकर के तुम्हारे तुमको दर्शन करना चाह रहे, थोड़ा सर उछा उठा करके दर्शन करो। बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके चलो। इतने में फिर उनको बड़ी उतावला हो रही है, प्रभु को दर्शन कर दर्शन कर। फिर लक्ष्मण बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर झांक करके देखो ना, भक्त लोग कैसे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। अगर गुरु जी प्रार्थना करे ठाकुर जी को सुनना पड़ता है, अगर गुरु जी प्रार्थना करे ठाकुर को सुनना पड़ता है। इतने में प्रभु राम ने थोड़ी सी सर उठा करके देखे तो वो जितनी सब किशोरियाँ थी ना प्रभु राम का रूप को देख करके उन सब बेहस हो गए। जब उनको होश आई इतने में राम का पीछे पड़ गए, बोले हमसे विवाह कर ले, हमसे शादी कर ले। राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से ही बोल रहा था, ऊपर में देखा मत करो, अब इनसे सब तुम ही शादी कर लो। भगवान राम ने कहा देखो इसी अवतार में मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता हूँ,
तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, मैं फिर कृष्ण बन करके आऊंगा, फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं को तब भी मैं पूरी करूंगा। इसलिए कोई जनकपुरी के जितने सब किशोरिया द्वापर युग में गोपी बन करके आए, ये भी एक कारण है। उसका जो सप्तम कारण बताए, भगवान राम जब दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र भी उपासना कर रहे थे, लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। जब सिद्धि नहीं हो रही थी, इतने में वो उपासना कर रहे थे श्याम को, कृष्ण को, इतने में राम आए। और राम श्याम तो एक ही है। अभी उन्होंने राम को देख करके ना श्याम को याद आए, बोले प्रभु हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार कर। राम बोले देखो, इसी अवतार में एक सीता को छोड़ करके और किसी को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। देखो भगवान राम ये भी शिक्षा देते हैं, ऐसे नहीं तुमने शादी कर लिया एक को और दूसरे की तरफ में भाग रहे हो, नहीं। भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण लीला बड़ी टेढ़ी लीला है, जो राम लीला ना बड़ा सरल लीला है। कहते जब तक कोई राम लीला में प्रवेश नहीं करे, तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए पहले राम की जो मर्यादा को पहले स्वीकार करो। इसलिए राम यही शिक्षा देते हैं, संसार करो, अपना पत्नी को साथ में धर्मपूर्वक। जब तुम शादी करो फिर दूसरे लड़की को प्रति नजर नहीं देना, और जब लड़कियां शादी करें अपना पति को ही जैसे सीता ने परमात्मा रूप में आराधना की, उसी तरह अपना पति को ही अपना परमात्मा मान करके पति को ही अपना जीवन सर्वस्व प्रदान करो। इसलिए भगवान राम बोले देखो, एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। वही जो दंडकारण्य का ऋषि लोग थे, वही ऋषि लोग ही ये द्वापर युग में गोपी बन करके आए। इसका मतलब है ये जो गोपियाँ हैं ना, वो साधारण कोई लड़की नहीं है। ये पूर्व पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके ये सब के सब कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके प्रभु आते हैं और भगवान इनको स्वीकार करते हैं। कहते ये भी एक कारण है क्यों भगवान राम रूप में आए। कितना कारण हो गया बोलो, कितना कारण, कौन गिन गया, कितना हो गया, सात हो गया, अभी आठ नहीं हुआ, सात हुआ ना आठ हुआ है, आठ हो गया, अभी मैं भी गिनाएंगी, ठीक है। और एक कारण बताए, आप लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय एक धोबी गई थी अपना पीहर में, जब वो वापस आ रही थी, वो हो गया था सांप, अभी उसको एक नदी पार करना पड़ता था, लेकिन हो गया था सांप, रिमझिम बारिश हो रही थी, केवट ने बोल दिया भैया रात को मैं तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता। अभी उसको मजबूरी में एक रात वहाँ बिताना पड़ा उसका घर में। जब दूसरे दिन वो आई, पति ने पूछा तुम कहाँ थे पिछली रात को, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं राम नहीं हूँ, कहाँ रावण सीता को उठा करके ले गया और आ गई तो उसको बराबर आसन में बैठा दिया, मैं राम नहीं हूँ, जहाँ पर रात बिताए ना जाकर जिंदगी भर वहीं पर बिताओ। लेकिन उसको पता ही नहीं था जो रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो सीता थी नहीं। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, अब देखना जब सीता को लंका से वापस ले रहे थे, लक्ष्मण को बोले अग्नि अग्नि सजाओ, क्योंकि सीता को मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। इतने में लक्ष्मण तो भड़क गए, बोले कोई दुष्ट व्यक्ति किसी स्त्री को जोर जबरदस्ती उठा करके ले जाए और उसके लिए परीक्षा करना पड़ेगा, सीता मेरी माँ है, आपका मैं विद्रोह कर सकता हूँ। इतने में राम ने समझाया बेटा तू तो समझा नहीं, बोले क्या है, बोले वो जो सीता है ना वो सीता है ही नहीं, वो तो नकली सीता है, रावण आने से पहले मेरे को पता चल गया था और मैंने जो असली सीता को मैंने अग्नि को पास में मैंने समर्पण कर दिया। बोले अग्नि मैं जिस काम के लिए जंगल में आया हूँ, ये राक्षस का वंश को ध्वंस करने के लिए,
जब तक मैं ध्वंस नहीं कर देता हूँ तब तक ये मेरी सीता तुम्हारी पास है। मैं जब ध्वंस कर दूंगा फिर मेरे सीता को वापस कर देना। अभी जो असली सीता है वो अग्नि को पास है, वो जो सीता वो नकली सीता है, क्योंकि रावण एक राक्षस है। माँ सीता स्वयं लक्ष्मी है, माँ सीता स्वयं लक्ष्मी, एक राक्षस कैसे लक्ष्मी को उठा कर ले जाएगा। वो नकली सीता, अभी वो नकली सीता अग्नि में प्रवेश करेगी और जो असली सीता है ना वो वहां से वापस आ जाएगी। अभी वो केवट को बात तो पता ही नहीं था। इतने में भगवान राम को मर्यादा को स्थापन करने के लिए भगवान राम ने सीता जी को उन्होंने त्याग दिया, वनवास दिया। क्यों? भविष्य में माताएं सती बन करके रहे, अपना मर्यादा को रक्षा करे, इसलिए प्रभु को ये लीला करना पड़ा। अभी भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किए। वशिष्ठ ने कहा देखो जब तक पत्नी नहीं हो तब तक ये यज्ञ आप नहीं कर सकते। लेकिन पत्नी को तो त्याग दे दिया था, वो वाल्मीकि आश्रम में थी। इतने में राम ने कहा देखो मैं और शादी नहीं कर सकता, और कुछ व्यवस्था करो। बोले और एक व्यवस्था है, जो क्षत्रिय है वो सोने सीता को अपना बाम पार्श्व में रख करके अपना यज्ञ कर सकते हैं। बोला हाँ ये कर सकते। तो हर साल एक एक यज्ञ की और एक एक सोने की सीता बनाई जाती है, और वशिष्ठ जी ये स्वर्ण सीता में अपना प्राण को स्थापन करते थे, और जो स्वर्ण सीता साक्षात सीता हो जाती। अभी इतने सीता गई कहाँ? 11,000 सीता गई कहाँ? और ये सब के सब श्री कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आए, और हमारे कृष्ण ये सब तो भगवान कृष्ण अपना गोपी रूप में प्रभु सबको स्वीकार किया है। इसलिए कृष्ण किसको छोड़ेंगे, इनको पास में किसी रूप में तुम बोला आ जाओ। पास ठाकुर जी तुम्हें भले ही तुम कुछ क्यों नहीं करे, लेकिन एक बार कृष्ण को पास में आकर के बस शरणागत हो जाओ ना, कृष्ण तुम्हें स्वीकार करेगा। तुम कैसे क्यों नहीं हो? बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे। कहते ये एक कारण है, कहते इसका दसवां कारण बताए। बोले जिस समय एक समय वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी और चंदन के सुगंध बहते बहते ये आया ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा का चार मानस पुत्र थे, सनक सनातन सनंदन और सनत। ये चार मानस पुत्र पहले ही भगवान को ब्रह्म 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 मानते थे, वो निराकार निर्विशेष रूप नहीं गुण नहीं। लेकिन जब उनकी चरण तुलस की सुगंध इनकी नासिका में प्रवेश की ये तो एकदम उन्माद हो गए। इतने सुंदर सुगंध था। बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही? बोले वैकुंठ से प्रभु नारायण के चरण तुलस की सुगंध है। बोले जिनकी चरण तुलस की इतने सुगंध है वो कितने सुंदर नहीं है? बोले हाँ लाला वो बड़ी सुंदर है। बोले पिताजी एक बार दर्शन करके आए? बोले जाओ। ब्रह्मा तो खुश हो गए। बोले क्यों? बोले जो ब्रह्म ब्रह्म कह रहे ना, निराकार निराकार कह रहे हैं, तब तक कोई निराकार निराकार कहते हैं जब तक प्रभु एक बार दर्शन नहीं करते। इसलिए कहते गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या कहते हैं, भले नहीं बिलो कत आती हर सीता, नहीं बिलो कत आती हर सीता, नहीं बिलो कत आती हर सीता, नहीं बिलो I'm not
इतने गोस्वामी जी कहते हैं इतने ही दिलों को तो अति अरसता है। हरे कृष्ण, आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी जानते हो? सब जानते हो। देखो ये पद में क्या कहते हैं, बोले एक होता है केवल देखना और एक होता है विशेष पूर्वक देखना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इन्हें ही बिल्लो का मतलब क्या, जब विशेष पूर्वक जब उनकी रूप को उन्होंने देखा दर्शन मात्र से ही बोले बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोलो जो भगवान को निराकार निराकार कहते थे वो अपनी आप भूल गए निराकार को, वो समझ गए ये ब्रह्मा और रामचंद्र परम ब्रह्म है। क्योंकि इनको देखने का बाद जो भगवान को निराकार निराकार कह रहा था वो पता नहीं कहाँ से मन से कहीं अंतर्ध्यान हो गया, वो तो कहाँ चले गया क्या, अभी राम रूप में ही एकदम डूब गए, प्रभु की राम का रूप में उन्होंने डूब गए। इसलिए कहते ये चतुर्सन ब्रह्मा सोच रहे हैं अगर एक बार प्रभु का दर्शन करेगा ना ये सब भूल जाएगा ब्रह्म ब्रह्म। अभी बोले प्रभु को तभी दर्शन मिलता है उनका सात दरवाजा पार हो गए, तो छह दरवाजा पार हो गए, अभी सप्तम दरवाजा को पार होंगे, वहां पर जय और विजय थे द्वारपाल वैकुंठ से। और ये नंगे धड़ के 5 साल उम्र के बिना कुछ अंदर में घुसते जा रहे थे, इतने में जय विजय ने छड़ी को लगा दी, बोले कहाँ जा रहे हो, अभी प्रभु की स्क्रीन बंद हुआ, अभी लक्ष्मी को साथ में आना, नारायण पता नहीं क्या करते होंगे, अरे कम से कम पूछो तो सही, यहाँ पर तो कोई दरुआ नहीं खड़े है ना, अरे प्रभु से प्रश्न करता हूँ कोई आए प्रभु का आदेश हो तब तो जाओ, बिना पूछा अंदर में घुसते घुसते जा रहे हो। जब छड़ी को उन्होंने लगा दी इतने में चतुर्सन का बड़ा क्रोध आया, बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए प्रश्न करने का जरूरत है, पूछने का जरूरत है, बोले तुम दोनों वैकुंठ में रहने का लायक है नहीं, क्योंकि ये स्थान का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ मतलब क्या है, बोले जहाँ पर डर भय ईर्ष्या द्वेष छल कपट जहाँ पर है ही नहीं, जहाँ कुंठा धर्म नहीं, अरे यहाँ पर प्रभु का डर भय कुछ की जाओ, तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओगे। अभी तो रोने लग गए, इतने में प्रभु जी आ गए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे अभिशाप दे, बोले देखो अगर तुम लोग मेरे भक्त बन करके जाओगे ना 7 जन्म के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे 3 जन्म बाद में आओगे, बताओ क्या करना चाहते। बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी वापस आना चाहते, बोले जाओ मेरे शत्रु बन करके जाओ, वही जय विजय ये सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तृतीय युग में रावण कुंभकर्ण बने, बोले द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बने, और जब कृष्ण इनकी उद्धार की फिर ये दोनों को मुक्ति मिली, फिर ये दोनों वैकुंठ लोक में फिर चले जाते हैं। कहते ये भी एक कारण है भगवान इस जगत में क्यों आए। 10 कारण हो गया कि नहीं, कल मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल, जो बोलेगा ना 1-2 कारण जो बोले देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, आज हम लोग श्रवण करेंगे कैसे कृष्ण नंद के लाला बन करके ये गोकुल में कैसे जन्म ग्रहण करते हैं। कहते जो नंद बाबा इनकी पिताजी का नाम श्री परिजन बाबा, इनके 5 बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। पहले ये नियम था 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ बालप्रस्थ सन्यासी। पहले नियम होता था सभी बच्चों को जैसे भगवान राम कृष्ण लीला देखे होंगे ये दोनों गुरुकुल में गए, पहले 25 साल तक गुरुकुल में जा करके, अभी जैसे बच्चे कोई सीए करता है कोई इंजीनियरिंग करता है, पहले ये गुरुकुल में जा करके सारे वेद पुराण उपनिषद को सबके सब पढ़ते हैं। जब 25 साल हो जाती थी
फिर गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा आप बताओ क्या करोगे, अभी बताओ क्या करोगे। अभी जिसको ये ज्ञान होता था, ये मानव शरीर दुर्लभ है, ये बारंबार ठाकुर जी ये शरीर देते नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, जिसको ये ज्ञान होता था वो बोलता था गुरु जी हम तो आपके आश्रम में रह करके आपके चरण की सेवा करते हुए ये जीवन को बिताना चाहते हैं, अपना मुक्ति मार्गों को देखना चाहते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार में आ सकती बगैर शादी के रह ही नहीं सकते हैं, गुरु जी बोलते थे बेटा घर में जाओ और अपना धर्म के अनुरूप अपना जात के अनुरूप शादी करना। ऐसे नहीं जहाँ इच्छा लव मैरिज कर लिया, नहीं, जहाँ तुम्हारी वर्ण धर्म आश्रम के अनुरूप शादी करना है और पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताना, इसलिए उसको कहते गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म देखो कहते तीन चीज है, एक गृह व्रत, एक गृह मेधि और एक गृहस्थ। अच्छे तरह से सुनो, इसलिए ये तीन चीज है। कहते गृह मेधि मतलब, मेधी मतलब होता है दिमाग में, जिनको सवेरे से लेकर के शाम तक घर में हल्दी की है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, आलू है कि नहीं, चावल है कि नहीं, जिनकी दिमाग में केवल इसी के सिवाय और कुछ है ही नहीं दिमाग, सवेरे उठने से लेकर के सोने तक जिनकी दिमाग में केवल यही चीज उठते हैं, इससे और कुछ चीज जानते ही नहीं, इसलिए उनको कहते हैं गृह मेधी। बात गृह व्रत, गृह व्रत मतलब जिन्होंने खाना पीना सोना और दुनिया से पूरा ऐसे ही जीवन जो बिता दे, कहते वो गृह व्रत है। लेकिन भैया गृहस्थ किसको कहते हैं, बोले गृहस्थ उससे कहते हैं, बोले गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथा जिता, कहते ये श्लोक नारद जी कह रहे हैं। एक समय नारद जी पांडवों को घर में आए, तब श्री युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, बोले नारद बाबा हम 5-5 भाई हैं और हम सब भाइयों का शादी हो गई और इनकी बच्चे भी हुए हैं, आप कृपा करके बताओ हम घर में किस रूप में रहे और हम गृहस्थ धर्म को जाजन करें और हमें मुक्ति मिल जाए, संसार से हमारी उद्धार हो जाए। तब श्री नारद जी कहते देखो घर में रहते हुए पाप करके पैसा नहीं कमानी चाहिए, धर्म पूर्वक पैसा कमाओ और पैसा कमा कर क्या करो, जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए पैसा कमाओ। बोले क्यों, बोले पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, लक्ष्मी है भगवान नारायण के लिए पैसा कमा रहा हूँ, रसोई बनाओ बढ़िया बढ़िया खाना। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी की भोग लगी, घर में झाड़ू लगाओ। बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, ये घर नहीं ये ठाकुर जी की मंदिर है। बच्चे को प्यार दो, क्यों, बच्चा भगवान ने दिया है, बड़े होकर के प्रभु की भजन करेगा। इसलिए जैसे ब्रज में गोपियां घर में भी थी, वो कोई त्यागी साधु संत नहीं थी, लेकिन घर में रहते हुए वो जो कुछ करती थी वो भगवान के लिए करती थी, हाथ में तो काम करती थी और मुंह में क्या करती थी, बोले गोविंद दामो धर्माधवे ते 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 Oh, my God.
निचली बोगियां हाथों में कान करती थी और मुंह में ठाकुर जी का नाम लेती थी, इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम करनी चाहिए। बस हो गया बड़ा भारी, ज्यादा कोई परिश्रम नहीं, सब कुछ ठाकुर जी के लिए, सब कुछ भगवान के लिए हमें करनी चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे कि बेटा घर में जाओ, पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करो और संसार धर्म को, गृहस्थ धर्म को जाजन करो। लेकिन कब तक करोगे संसार धर्म? बोले 50 साल, 50 के बाद में फिर घर में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्ध्वे वनोम्रज, 50 साल के बाद में फिर वृंदावन जाओ, फिर भगवान की भजन करने के लिए वृंदावन चले जाओ। इसलिए देखो ये 50 के बाद में जो अंक आता है ना, बताओ तो 50 के बाद में कौन सा अंक? एक का बन, ये बन सकता है, का बन, चौ बन, ये बन, मतलब घर में नहीं है, वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, घर में मत रहो, फिर भूख के साथ में लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर तो भजन नहीं कर पाओगे संसार में। इसलिए ये बन बन शब्द आता है, वृंदावन, एका बन, का बन, है ये वानप्रस्थ है, बन बन जाओ, वृंदावन में रह करके दोनों पति पत्नी धर्म पूर्वक रहो, सत्संग करो, भगवान की कथा सुना, और ये जीवन जिस काम के लिए मिला है, हैं, भगवान की भजन करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को देख लो। लेकिन अगर तुम वन में नहीं जा पाए, अगर वन में नहीं गए, देखो उसको बाद में क्या, 69, 60, 61, 62 भर सखिया बन जाओ, फिर तुमसे कुछ होने वाला नहीं। ये जो अंक है ना हमारे, ऐसे अंक नहीं है वो, बड़े ये सब अंक है ना, ये वेद में बताया गया है सब कुछ, वो ऐसे नहीं, हमारे भारत में अंक की बड़े महत्वपूर्ण, ये अंक का बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए 69, 60, 61, 62। लेकिन उसको बाद में 69, 70, 71 ये भी आता है, हाँ, इसलिए गोस्वामी बोलते हैं बच्चा इसका तो तेज कर उसको, इसलिए कहते तुम तर सकते हो, तर सकते हो, इसका इको इको नहीं जानते, कहते तुम तर सकते हो, लेकिन कैसे तर सकते हो? इसलिए गोस्वामी रामायण में कहते हैं बल सो धरे इनका भी कल्याण हो जाएगी, इनको धर्म नहीं होता, इनकी कल्याण भी होगी अगर इनको जीवन में अगर साधु संगत मिल जाए ना, अगर सत्संग मिल जाए, कहते ना संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। सब तेज करो लेकिन इसको इको कम करती तेज करते, इसलिए कहते हैं संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए कबीर जी कहते हैं संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर जीवन में ऐसे कोई सूखा संतों का संग अगर हो जाए ना, वो 69, 60 होने पर भी वो सब संग की इतने महिमा है, इतने महिमा उसको उधार हो जाएगी। देखो एक छोटी सी कथा सुना, मतलब एक समय श्री नारद जी ठाकुर जी के पास में गए, मतलब ठाकुर जी दुनिया कहते हैं सत्संग से जीव का कल्याण होता है, अब थोड़ी सी बताओगे सत्संग का फल क्या है? ठाकुर जी बोले एक काम करो, वो जंगल में जाओगे गिरगिट, वो गिरगिट सत्संग की महिमा बताए, बोले गिरगिट क्या बताए, वही बताएगा। नारद जी गए सचमुच से देखा है कि गिरगिट है, तो उन्होंने पूछा भैया ठाकुर जी बोले तू सत्संग की महिमा बताओ, आपने गिरगिट देखे हो? देखना सर कैसे से हिला,
जब कुछ दो तीन बार हिलाया और पूछते पूछते वो गिरगिट शरीर छोड़कर वहीं पर गिर पड़ा। बोले ये क्या हो गया? ये तो प्राण ही त्याग दे दिया। वहां से वापस आ गया। बोले ठाकुर जी वो सत्संग की महिमा क्या बताएगा? उसको प्रश्न करते ही दो तीन बार सर हिलाया तो प्राण छोड़ दिया। आप बताओ सत्संग की क्या पहल? बोले जाओ उसी जंगल में एक तोता ये सत्संग की महिमा बताएगा। अभी वहां पर गए दिखाए कि तोता है तो उन्होंने तोते को पूछे। बोले ठाकुर जी ने भेजा सत्संग की महिमा बताने के लिए। उसको पूछा तो वो भी दो तीन बार पूछते ही इतने में तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो गया? जिन जिनियों के पास में जाता हूँ वो सबके शरीर छोड़ देते हैं। फिर वापस आए इसको फिर क्यों देते? इसलिए फिर उन्होंने ठाकुर जी को पास में आए। बोले ठाकुर जी आप मेरे से दो प्राणी को मरवा दिए हो, आप बताओ सत्संग की क्या महिमा है? बोले एक काम करो, वहां पर एक गैया ने बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़े को पास में जाओ, वो बछड़ा सत्संग की महिमा बताएगा। जब वो बछड़े को पास में गए दो तीन बार उसको पूछते ही वो बछड़ा ही प्राण त्याग दे दिया। बोले ये क्या हो रहा है? जिन जिनियों को पास में जाए प्रश्न करते ही प्राण त्याग दे देते हैं। फिर वापस आया। बोले ठाकुर जी तीन तीन प्राणी मेरे साथ मरवा दिया है, आप बताओ ना सत्संग की क्या महिमा? बोले अभी इसका सही आंसर मिलेगा। बोले एक काम करो, अमुक जगह में एक राजा है, वो राजा घर में एक राजकुमार जन्म हुआ, वो राजकुमार ने तुम्हें सत्संग की महिमा ये राजकुमार तुम्हें बताएगा। बोले हे भगवान अभी तक तो जिसको पूछे वही प्राण त्याग दे दिया, अगर ये राजकुमार प्राण त्याग दे दिया ना सीधा राजा जेल में बंद कर दिया। अभी वो डट गया, सचमुच से देखा राजा का घर में एक बेटा हुआ है। नार तो डट गया, डट अगर ये प्राण छोड़ दिया तो गड़बड़ी है। वहां पर गया सचमुच से राजा क्या का बेटा जन्म लिया था। अरे ठाकुर जी भेजा तुम्हारे पास में ये सत्संग की महिमा जानने के लिए, बताओ ये सत्संग की महिमा क्या? वो बोलते ही ना वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। नारद जी बोले हो गया काम, हो गया। नारद तो वहां से भगे, वहां से जब भगे इतने में क्या हुआ था, वो बच्चा जन्म से ही गुंडा था। अब देखना बच्चा जन्म से ही रोता है, अगर नहीं रोता क्या करते उसको मार मार करके बच्चे को रुलाते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता है ना पूरा घरवाल रोते हैं। अगर बच्चा जन्म लेने का बाद नहीं रोता मतलब क्या है, वो गुंडा बनेगा। इसलिए वो जन्म से ही गुंडा था। लेकिन जब नारद जी को दर्शन किया ना, नारद दर्शन करते ही नारद संत हैं, जैसे सूर्य उदय होने पर अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है, संत दर्शन मात्र से ही सारे अज्ञान अंधकार दूर हो जाता, सारे पाप नष्ट हो जाता। इसलिए वो तो था गुंगा, लेकिन श्री नारद जी को दर्शन मात्र से ही उसका सारे पाप खत्म हो गया, उसका गुंगापन खत्म हो गई और उसने रोने लग गया। जब रोने लग गया सबके सब राजा को बोले, बोले महाराज तुम्हारा जो बच्चा है ना रोना शुरू कर दिया, मतलब उसका मुंह खुल गई। राजा भागते भागते आए, बोले अभी कोई आया था? बोले हाँ श्री नारद जी आए थे। बोले जाओ उनको बुला करके लेकर के आओ, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनके मुंह खुल गया। अभी भागते भागते गए नारद जी को बोले महाराज आपको बुला रहे हैं। नारद डर गए, लगता है बच्चा रोया था शरीर छोड़ दिया, पता नहीं राजा अभी क्या करेंगे। अभी नारद जी डरते डरते आए, इतने में श्री राजा उनकी चरण में गिर पड़ गए। बाबा मेरे बच्चा जन्म से ही गुंगा था, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही उसका सारे पाप खत्म हो गई, आज उसने रोना शुरू कर दिया तो मुंह खुल गया। इतने में नारद जी वो बच्चे से प्रश्न करते हैं, बोले ठाकुर जी तेरे पास में भेजे हैं ये सत्संग की महिमा को जानने के लिए, देखो बच्चा क्या कहता है। बोले नारद जी अभी तक नहीं समझे। बोले नहीं, बोले देख सुना, पहले जन्म में मैं गिरगिट था, लेकिन जब आप मेरे को दर्शन दिया आपको दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गया,
फिर मैं तोता रूप में जन्म लिया। फिर जब आप तोते रूप में दर्शन दिया, मेरे तोता शरीर में छूट गया, फिर मैंने बच्चन रूप में जन्म लिया। क्योंकि गैया की हर लोग में कभी ये 33 करोड़ देवता, शास्त्र में बताया ये मानव शरीर से पहले जीव को ये गैया जन्म मिलता, गैया जन्म को बाद में उसको फिर मानव शरीर मिलता है। इसलिए मैंने बछड़े रूप में जन्म लिया था, लेकिन तुम्हारी दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गया, फिर मैं राजा घर में बेटा बन कर जन्म लिया। लेकिन ये जन्म से गुंगा था, लेकिन जब फिर आपका दर्शन मिला, मेरे सारे गुंगापन खत्म हो गया, मेरी मुंह मेरी खुल गई। इसलिए आपका दर्शन से मेरे सौभाग्य उदय हुआ और मेरे अभी में राजकुमार रूप में मैंने जन्म ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरे सत संगत पाई। एक सठ का भी कल्याण हो जाता है, कैसे, अगर जीवन में उसको अगर कभी साधु संगति अगर दर्शन मिल जाए, शुद्ध साधु दर्शन हो जाए, उनका हृदय में भी परिवर्तन और भक्ति की रस की संचार हो जाता है, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया एकावन और बावन, एकावन और बावन। हाँ देखो, अगर हम वन में नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना घर में तो ठाकुर का भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर बैठ करके इधर उधर की सारी चीज को देखते रहो और प्रभु का माला गीता भागवत को भूल जाओ, नहीं। इसलिए कम से कम अपना जीवन को प्रभु की भजन में लगा, प्रभु की भक्ति में लगानी चाहिए। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण हरि बोल, जय जय श्री राम। हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। बोले वृंदावन बिहारी नाम की जय, जय जय श्री राम। रुमन बस के नंद किशो, अब जना नहीं कहीं वृंदावन में बसा वृंदावन में Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
किसी को कम कर और थोड़ी सी टेस्ट करके क्लियर कर दो हरे कृष्ण। अभी श्री नंद बाबा का जो पिता है वो परजन बाबा, इसका किसको कम कर दो करके परजन बाबा के पांच बेटे हैं। अभी पांच बेटे में अभी जब इनकी 50 साल हो गई उसे क्लियर करो इसको ना इसको बुलाएगी इसको कुछ नहीं आता बेटा एक बोलने वाला कल वाला सही था और मालिक ने कहने के यार कम से कम तो बजा दे ठीक करो इसको किसको करो करो आता नहीं मेरे को बैठ कर इको कौन सा पता है तेरे को हरे 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 बोले सिमरता जय 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 जब इनकी 50 साल उम्र हो गई उन्होंने सारे बेटे को बुलाए बोले देखो मेरी उम्र 50 साल हो गई अभी मैं चाहता हूँ वानप्रस्थ जाने के लिए और तुम लोग अपना संसार को संभालो। बोले ठीक है पिताजी। तब उन्होंने अपना सबसे जो बड़े बेटे को बोले इसको मैं राज सिंहासन दे करके जाना चाहता हूँ। तब जो बड़ा बेटा था बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन ये राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं ये नंद बाबा का अंदर है आप इनको और सिंहासन पर बैठा दो। इसलिए उनका नाम नंद। नंद मतलब क्या बोले आनंदयति इति नंद जो सबको आनंद प्रदान करे। इसलिए हम कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उन्होंने श्री नंद बाबा को सिंहासन पर बैठा दिए। नंद बाबा को बैठा करके चले गए। अभी चार भाइयों का बच्चा है लेकिन नंद बाबा के घर में कोई बच्चा नहीं। अभी सोच रहे हैं फिर भविष्य में सिंहासन को कौन संभालेगा मेरे कोई बेटा ही नहीं। इसलिए उन्होंने यज्ञ किया तीर्थाटन की बड़े बड़े दान पुण्य उन्होंने किया लेकिन घर में किसी तरह से बेटा ही नहीं हुआ। बड़े दुखी है। अभी धीरे 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 उम्र भी बीतते जा रही है बच्चे होने का। एक रात में कहते नंद बाबा और जसोदा ये दोनों ने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा एक सुंदर चमचमाते हुए एक श्याम रंग का बालक और उनको पीछे पीछे एकदम गोरी चमचमाते हुए एक बड़ी सुंदर एक लड़की कहते श्री नंद बाबा का हृदय में प्रवेश किया और इनके हृदय से श्री जसोदा जी के हृदय में प्रवेश किया। उनने स्वप्न देखा और स्वप्न देखा श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांत स्थले। बड़ा सुंदर स्वप्न ठीक ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा। आप देखना कोई स्वप्न अगर ब्रह्म मुहूर्त में देखोगे ना वो स्वप्न कभी सही हो जाती है। और दोनों का नींद खुल गई। नंदा बाबा बोले जसोदे मैंने बड़ा सुंदर एक स्वप्न देखा। जसोदा बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी है पहले आप अपना स्वप्न की बात बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंदा बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का के बालक तुम्हारी स्तन पान कर रहा है करते करते ये दोनों धार से दूध बहते बहते उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से तेरे गोद में एक बच्चा है। जसोदा बोली मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बोल। बोले मैंने भी देखा है कि सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है और मेरे कपड़ा खींचते हुए कहते मेरे को गोद में उठा लो मेरे को दूध पिला दो। मेरे को लगा सचमुच से कोई बालक है। और उसी रात कोई मैया जसोदा गर्भ धारण की। सारा दुनिया में हला हो गया। मैया जसोदा ने गर्भ धारण की। घर में बालक भी जन्म होगा देश का राजा जन्म लेगा। और जितने गोपियां थी ना वो 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा ना हम इसको पहन करके बधाई देने के लिए हम जाएंगे। इतने में पहले मशीन नहीं होता था लेकिन ये बड़ी बूढ़ियों का कुछ इंगित होता था। इस तरह में वो समय जाते थे इनकी गर्भ में बेटा होगा ना बेटी होगा। इतने में एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली देखो लगता है तेरे गर्भ में बेटा होगा। बोले पता कैसे चला
बोले तेरे जो होठ है वो पीला पीला दिख रहा है होठ तुम्हारे, इसका मतलब बेटा होने वाला है। एक गोपी बोली तुमने कुंवारी पण में जुड़मा केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों? लगता है तेरे गर्भ में दो बच्चे हैं। सचमुच से दो बच्चे थे, एक कृष्ण और एक गोमाई, दो बच्चे थे। अब देखना गर्भ में जो बच्चे होते हैं ना माताओं को नमकीन खट्टा चटपटी चीज खाने में अच्छी लगती है। इतने में मैया जसोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। तो बड़े सुंदर उन्होंने खीर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और श्री मैया जसोदा को खीर खिलाए। हाँ देखो एक होता है गर्भ संस्कार, इसलिए गर्भ संस्कार मतलब है गर्भ में बच्चे रहते समय अगर माताएं सुंदर सुंदर प्रभु की तस्वीर देखे, गीता रामायण पढ़े, वो बच्चा बड़ा संस्कार बच्चा बनेगा, बड़ा धार्मिक बच्चा बनेगा। इसलिए मैया जसोदा को सुंदर सुंदर प्रभु की फोटो दिखाए जाते हैं, प्रभु राम की नारायण की बड़े सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाते हैं। क्यों? गर्भ के ऊपर भी उसकी छाप पड़ी और बच्चा संस्कारी बन करके आए। लग रहा था आज रात को ही घर में बालक के जन्म होने वाला है। अभी नंद बाबा के बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भ धारण की ना बच्चा होगा और मेरे को नवला की हार मिलेगी, इसलिए वो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी और घर के सारे काम काज को भाग दौड़ करते हुए कर रही थी। लग रहा था आज रात को कोई संतान जन्म होगा। अभी जब कृष्ण जन्म होने वाले थे इतने में जोग माया सबको सुला दी। पता नहीं वसुदेव महाराज मथुरा से कब आए और मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए और यहाँ पर मैया जसोदा दो बालक जन्म लिया, पहले कृष्ण फिर जोग माया। लेकिन ब्रज का जो कृष्ण है वो पूर्ण कृष्ण है और मथुरा का जो कृष्ण है ये अंश कृष्ण है। लेकिन पूर्ण कृष्ण ने किया कि अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला दिया, लेकिन ये रहस्य जिसको पता ही नहीं चला और उन्होंने यहाँ से बेटी को लेकर के चले गए। अभी सबके सब सोए पड़े हुए, सवेरे सवेरे सुनंदा की आँख खुली, बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए, अभी भाभी की क्या हालत है? उसने दरवाजा को खोल करके देखे मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया बालक कब जन्म हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा, ये पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा है कहाँ, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा नंद बाबा माला जप कर रहे थे, लेकिन माला जप नहीं हो पा रहा था। सोच रहे थे घर में लाला कब है वो, लाला कब है वो, छोरा कब है वो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने आकर के बोल दी, बोले भैया भैया कमाल है गयो है। इतना बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दिए, बोले बहनी कहाँ गयो है? बोले पहले ये बताओ पहले मेरे को क्या मिलेगा फिर मैं बताऊंगी। बोले ले ये नवला की हार तू ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी है जिसको सामने ये नवला का हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो यार, ये नवला की हार है? बोले भैया बात तेरे को पता कितनी बड़ी बात है, इसलिए बोलो और क्या दोगे? बोले जा वो जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह थे ना तेरे नाम पर मैंने लिख दिया सब, तू मालिक बन गया। बोले भैया बात इतनी बड़ी जिसको सामने ये जमीनी जगह तुझे कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे? बोले हाँ भैया बताओ और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का ये सारे चाबी काटे तू ले, जो इच्छा तो खोल करके ले ले, लेकिन ये बता तो सही घर में कहाँ भयो है? बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला है। नंद बाबा तो इतने खुश इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा, वहीं से उन्होंने दौड़ लगाए और जब सबसे पहले उन्होंने कृष्ण का मुख दर्शन की इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने 20 लाख गैया देने का संकल्प लिया और 7 तील का पर्वत को उन्होंने बोले ब्राह्मण को मैं दान दूंगा, हैं ब्राह्मण को दान दूंगा, तील दान का बड़ा महत्व है। बोले पहले साधु संतों को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ,
इनकी कृपा से आज मेरे घर में लाला भयो है। पहले ये स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चे को आशीर्वाद दे। सारे ब्राह्मण संत आए, आशीर्वाद दिए, ले जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो। जितने गोप और गोपियां बधाई लेकर के आए, अभी सुनते ही जितने गोपियां, वो तो छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा बना करके रखे थे, चुंदरी बना करके रखे थे, और गोपियां बड़े सुंदर चुंदरी और लहंगा और 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके दूध दही मक्खन लेकर के मटकी में सबके सब आ रहे थे। आते समय कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग जाने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के पहले नंद बाबा को जसोदा को बधाई दे। अभी चोटी में सुंदर फूलों की माला को बांध करके श्रृंगार की थी है, और जब चल रही थी एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रही है इनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। अभी जितने माताएं थी ना, सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही है। देखो जितने माताएं बैठी हो, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, और आप लोग बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, आगे का आवाज आ रही थी, पीछे माताएं कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। जोर से बोले और एक बार, संजीत इसका थोड़ा आवाज तेज कर दो। बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो। मैया जसोदा बोली ब्रज की गोपियां बधाई हो, बधाई हो। ये बूढ़ी उम्र में मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है। और जितने गोपियां थी ना, सबके सब कन्हैया को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या बोल रही थी? बोले जो जो गोजी और जसोदा मैया तेरो ललना, जो जो गोजी और जसोदा मैया तेरो ललना, जो जो गोजी और जसोदा मैया तेरो ललना, जो जो गोजी और जसोदा मैया सबके सब आशीर्वाद कन्या को, सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे। और जितने गोप लोग थे वो लोग भी नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। जितने गोप लोग भी बोले बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो, ये लाला तुम सबका लाला है। और जितने गोप लोग सब आशीर्वाद दे रहे थे। बोले खूब फलते फूलते रहो, दिन में दो गुना रात में चौगुना बढ़ते रहो। देखो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने पर सचमुच से संसार में सुख शांति मिलता है। इसलिए नियम है बड़े बूढ़ों को चरण छूने चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूने चाहिए, और इनकी हमें आशीर्वाद लेनी चाहिए। लेकिन अभी आप देखना जितने ये अंग्रेजी संस्कृति आकर के ना, अभी जो बेटा पिताजी को हैंडसम देखते हैं, अगर कोई प्रणाम करेगा ना सर झुका करके नहीं, वो घुटन करता, वो सर झुका करके प्रणाम नहीं करता। आप देखना आप पिताजी की घुटन तक स्पर्श करते हुए प्रणाम करो, और सचमुच से पिताजी की चरण में, मैया की चरण में सर झुका कर प्रणाम करो, देखना हृदय से कैसा आशीर्वाद आता है। हृदय पे पूरा आशीर्वाद आएगा है, खूब तीर खोल करके आशीर्वाद देते हैं। और इनके आशीर्वाद से धन ऐश्वर्य जस बल ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद से ये सारी वस्तु मिलता है। इसलिए भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे?
बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु ठाकुर भी स्वयं पहले पिता माता के चरण की वंदना करते थे। अब रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज शयन करते हैं ना राम जाकर चरण की सेवा करते हैं। पहले आप जो कितने बड़े बूढ़े देखना पिता माता की सब सेवा करते थे सब जब पिता माता शयन करते हैं। मैं भी कभी किया हूँ पिताजी के चरण दबाया हमने कभी हाँ सोते समय। इसलिए इनके आशीर्वाद लेनी चाहिए सबके सब। इसलिए श्री सबके सब हृदय से कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे थे। अभी सबके सब गोप आ गए लेकिन अभी दो व्यक्ति आना बाकी है एक वृषभान महाराज और एक कीर्ति का सुंदर। श्री राधा रानी की पिता माता और नंद बाबा और दशोदा में बड़ी मित्रता थी। ये भी राजा है बड़ी मित्रता आपस में बड़ी मित्रता थी। अभी ये दोनों आ जाए ना फिर तो ये उत्सव प्रारंभ होगा। देखते श्री वृषभान महाराज कृतिका सुंदरी प्रवेश की और कृतिका सुंदरी बड़ी सुंदर लड़ झड़ श्रृंगार करते हुए सर में दधी दूध मक्खन लेकर के आए। अभी उत्सव प्रारंभ होगा। एक गोप ने एक लठिया लिया और मटकी को मारते ही वो मटकी फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही से पूरा पूरा स्नान कर लिया। एक दधी का दी मतलब है दही में घी और हल्दी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं। ये मंगलवाची है। एक दूसरों के ऊपर लगा रहे थे और इतना कीच कीच हो गया गांव इतना कीचड़ हो गया सब फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे और मक्खन डेले के डेले उठा उठा करके एक दूसरों के ऊपर फेंक रहे थे। एक 6 साल की एक डोगर थी माता जी एक भी दांत नहीं वो ऐसे देख रहे थे। बोले भैया बड़ी जोर की नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और उसको मुंह को लक्ष्य करके मारे दांत एक थी नहीं और मुंह में लगना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में भूखे गए थे इसलिए सबके सब जा रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हरी घोड़ा काल के हरी घोड़ा काल के हरी घोड़ा काल के सबके सब नाच रहे थे गा रहे थे लेकिन नंद बाबा बैठ बैठ करके देख रहे थे। जितने ब्रजवासी थे बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भाई हो तू बैठे हो आ कम से कम आज तो नाच ले इनको पकड़ करके ले आए। बोले कहाँ ले आए बोले नंद बाबा राजा है ना इनका जो आंगन थी बहुत बड़ी इतने दूध दही मक्खन लाए थे वो आंगन पूरा पूरा भर गया था। ऐसे लग रहा था मानो कि खीर समुद्र प्रकट हो गया है ऐसे लग रहा था। और जितने नंदगांव बरसाना का गोप थे ना नंद बाबा को पकड़ करके बीच में ले आए। बोले नंद बाबा देखे ना कैसे बड़े सुंदर कौरव वर्ण लंबे चौड़े हैं और कमर में एक फेटे बांध करके रखे थे और फेटे के एक तरफ को नंद श्री नंदगांव के गोप दूसरे तरफ में बरसाना का गोप दोनों तरफ में पकड़ लिए। देखो बड़ा सुंदर वर्णना किए हैं। कल हम लोग समुद्र मंथन की कथा सुन रहे थे और लवण समुद्र जिसको देवता दैत्य ने मंथन किया आज लग रहा था मानो ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहे हैं। देवता दैत्य कौन है एक रजोगुणी और एक तमोगुणी लेकिन इधर दोनों तरफ में एक बरसाना का गोप और एक श्री नंदगांव के गोप दोनों तरफ में कपड़े पकड़े हुए हैं। ये दोनों ही निर्गुण हैं। कल जो समुद्र मंथन में सुना था 14 रत्न निकला था लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित जब कृष्ण जन्म हुए ना नंद बाबा इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात को उन्होंने दान दी ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे।
गठरी की कोने से बिखर जा रहा था, अली गलियों में सोना चांदी बिखर रहा था, और ऐसे लग रहा था मानव कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं गली गली में नाच रही, ऐसे लग रहा था। अभी 33 करोड़ देवता आए थे, उसमें शंकर भी आए थे, नंदा बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया। आप लोगों को बताओ तो शंकर जी का बाहन कौन है? बोलो कौन है? बोलेगा हाथ उठा, नंदी। शंकर जी का बाहन नंदी। शंकर तो चक्कर में पड़े गए। बोले क्यों? बोले उन्होंने 20 लाख गैया दान दे रहे थे। शंकर जी बोले भैया दान देते देते मेरे बाहन भी तो बेल, अगर भूल से मेरे बैल को अगर गैया मान करके दान दे देंगे मेरी बाहन चली गई तो मैं कैसे जाऊं फिर? इसलिए शंकर जी नंदी की पूछ को पकड़ लिए, बोले भैया मेरी नंदी नहीं चली जाए। लेकिन वहां माता पार्वती भी आई थी, पार्वती की भी दो बेटे, कौन कौन बताओ तुम? गणेश और कार्तिक। अभी गणेश जी का सार गजानन है, हाथी जैसे, कितना हाथी घोड़ा पालकी, उनने इतने हाथी और घोड़े दे रहे थे। मैया पार्वती भी डर गई, बोले क्यों? बोले ये हाथियों को दान देते देते अगर मेरे बेटे को अगर हाथी मान कर दे देंगे तो फिर मेरे बेटा ही चला जाएगा, अपना बेटे को उठाकर गोद में चुपका कर खड़ी होगी। वहां पर भगवान कुबेर, भगवान कुबेर कौन है? स्वर्ग का जितने सारे धन दौलत का भंडारा जिसके पास है, झरे सारे मालिक धन दौलत का। लेकिन आज कुबेर भी इनकी दान को देख करके वो भी लज्जित हो गए, बोले नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतने दान दौलत नहीं। उनका भी लज्जित होकर सर इनके भी झुक गए हैं, और सब के सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सबके संत नाच रहे थे लेकिन एक व्यक्ति नाच नहीं रही थी, दुखी होकर बैठी थी। बोले कौन? बोले रोहिणी। बोले क्यों नहीं नाच रही थी? बोले वो स्वाधीन भक्त, वो है प्रसिद्ध भक्तिका। बोले प्रसिद्ध भक्तिका का मतलब क्या है? बोले जिसका पति दूर देश में हो और दुख में पड़ा हुआ। बोले पति कौन? बोले वसुदेव। कहां पर? मथुरा में। किस रूप में? जेल। अगर किसका पति जेल में हो उसका पत्नी भरीसभा में कभी नाचेगी? वो कभी नाच नहीं सकती, क्यों? पति दुख में जेल में पड़े हुए, मैं कैसे नाचूं? इसलिए वो बड़ी दुखी होकर घर में बैठी हुई थी। नंद बाबा ने देखा भैया सबके संग नाच रही है लेकिन घर का सदस्य रोहिणी कहाँ पर? देखा रोहिणी दुखी होकर के बैठी हुई थी। नंद बाबा बोले देख मेरे को पता है तेरे पति जेल में है लेकिन लाला को आशीर्वाद दे सकते हो, थोड़ा लाला का आशीर्वाद दे करेगा। लेकिन श्री बलदेव प्रभु कृष्ण जन्म से 15 दिन पहले कृष्ण जन्म हुए थे लेकिन वो जन्म से आंख बंद करके रखे। इनकी मन में इच्छा है बलदेव प्रभु का, सबसे पहले मैं कन्हैया को देख करके दुनिया को देखूंगा। इतने में रोहिणी मैया किया कि ताऊ भैया को लाए और कन्हैया को पास में सुला दी। जब बलदेव प्रभु को पता चला मैं कन्हैया को पास में आ गया हूँ, इतने में उन्होंने आँख खोल दी और उन्होंने सामने से कन्हैया को देखते ही, माँ तो दुखी थी रोहिणी लेकिन जब देखा लाला ने आँख खोल दी फिर तो उसको रहा नहीं गया, वो भी ठुमक लगा करके कीर्तन में नाचने लग गई। अभी हमारे प्रभु जी एक बड़े सुंदर भजन सुनाएंगे, कैसे नंद भवन में कैसे नंद महोत्सव हो रहा है, बड़े सुंदर भजन सुनाएंगे। देखो जो भगवान की नंद उत्सव में जो नाचेगा ना उसको 84 लाख जन्म में नाचना बंद हो जाएगा, 84 लाख जन्म में नाचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर तो नाचना पड़ेगा। इसलिए सबके सब एक बार बहुत समय से बैठे हो प्यार दर्द हो गया है इसलिए एक बार खड़े होकर के टांग को सीधा कर लो, ठीक है? खड़े होकर के एक बार उत्सव में नाच लो। नंद के साला की जय जय श्री राम, हर जय यशोदा जी की लंका जो हल्ला में हल्ला चमकी कर,
I'm not going to be able to do that.
I'm gonna go to the hospital.
साधना में बोला बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। पीछे माताएं कोई हाथ नहीं उठा रही, सबके सब हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सबके सब बैठ जाओ, बात मत करो, घर वाले सबके सब बैठ जाओ। हरे कृष्ण। सबसे ज्यादा घर वाले ही बात करो। हरे कृष्ण। बस वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ देखो इधर ध्यान देकर सुनो। देखो कल है एकादशी तिथि है, अगर भागवत कथा को बीच में ये एकादशी तिथि आ जाए ना, समझो उसमें चार चांद लग गई है। क्योंकि ये भागवत कथा में कोई बार व्रत का नाम नहीं है, जैसे सोम कोई मंगल कोई भूत अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन ये भागवत ग्रंथ में कोई व्रत के नाम नहीं है, केवल एक ही व्रत का नाम है, ये एकादशी व्रत, जिसको अम्बरीश महाराज रखते थे, जिसको मैया जसोदा नंद बाबा रखते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा रखा करती थी। ध्यान देकर सुनो ये एकादशी तिथि क्या चीज है, अच्छे तरह से सुनो। इसलिए कहते हैं जो एकादशी तिथि को बताया ये कल्प वृक्ष व्रत है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे ये कल्प वृक्ष आपको वही दे देता है। इसलिए ये एकादशी 15 दिन में एक बार ये एकादशी व्रत है, 15 दिन में। जैसे कोई सोम मंगल बृहस्पति करते होंगे उसका एक ही फल, दो फल नहीं है, लेकिन ये एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन इसका अलग 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 इसका फल है। देखो कल जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी। क्या नाम है? अगर वो एकादशी व्रत कोई करेगा, जीवन का जितने तुम्हारी पाप है वो सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम पाप मोचनी। संसार में ये तरह तरह का दुख क्यों है? कारण है हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एकादशी कोई करेगा ना, जीवन का सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जो एकादशी व्रत करने पर घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में खूब रुपया पैसा आते हैं। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा। जो एकादशी करने से जीव को संसार का बंधन से दुख कष्ट से उनको मोक्ष मिल जाती है, इसलिए उसका नाम मोक्षदा। एक एकादशी का नाम विजया। अगर वो एकादशी व्रत कोई करे ना, संसार में सर्वत्र तुम्हारी विजय, सर्वत्र तुम्हारी विजय विजय प्राप्ति होगी, इसलिए उसका नाम विजया। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब वो एकादशी करने पर घर में खूब अन्न आएगा, घर में खूब अन्न आता है, इसलिए उसका नाम अर्णदा। अगर आपके पास में कोई एकादशी का पुस्तक होगा ना, पढ़ करके देखना, 15 दिन में जो एक एक एकादशी उसका नाम अलग अलग। देखो एक एकादशी का नाम पुत्रदा। अभी जो नंद बाबा की कथा सुने ना, ये पुराण में लिखा हुआ है, जब इनकी किसी तरह से संतान नहीं हुई, उनने बहुत तीर्थाटन किया, यज्ञ किया, बहुत कुछ किया, घर में पुत्र नहीं हुआ। अभी एक दिन नंद जसोदा बैठ करके सोच रहे हैं, बोले हमने तो सारे व्रत को रखा है लेकिन अभी तक एकादशी व्रत को हमने रखा है, चलो हम दोनों पति पत्नी मिल करके पुत्र एकादशी को रखते हैं। जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी को रखा, घर में पुत्रदा मतलब पुत्र को जो दान करती है, कृष्ण स्वयं ये पुत्रदा एकादशी करने पर नंद जसोदा घर में कृष्ण की जन्म हुआ। इसलिए आप जो कुछ एकादशी करके मांगोगे ना,
कि एकादशी आपको सारी फल देगा। देखो पुराने की कथा सुन लो, बल एक समय स्वर्ग में जहां पर इंद्र चंद्र सब राजा बैठे हुए, तो गंधर्व और गंधर्वी बड़े सुंदर थे। एक दिन वहां पर नृत्य कर रहे थे इंद्र चंद्र सर देवता को सामने, लेकिन सचमुच से जो दोनों गंधर्वी गंधर्व गंधर्वी वो देखने में बड़े सुंदर थे। अभी इनके अंदर में नया नया प्रेम हुई थी, आपको पता होगा नया प्रेम में कैसे पागल होते हैं। लेकिन जब नृत्य कर रहे थे और नृत्य क्या करेंगे, वो दोनों में इतने आसक्त एक दोनों को देखते 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 रहे, उनको भूल गए यहाँ पर देवता को सामने हम नृत्य कर रहे हैं, और दोनों को पागल होकर देख रहे थे। इंद्र ने कहा दुष्ट तुम्हें पता नहीं यहाँ पर नृत्य कर रहे हो, देवता बैठे हुए पागल जैसे दोनों दोनों को देख रहे हो, जाओ तुम दोनों को हम अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों पिशाच जन्म ले जाओ। अभी ये पिशाच जन्म में गए, जो पिशाच जन्म है रात होने पर अगर किसके खून नहीं पिएंगे ना वो रह नहीं सकते, वो खून देखना किसको भूत लग जाए, देखना धीरे धीरे वो व्यक्ति पतला होते जाता है, भले ही जितने क्यों नहीं खाए वो धीरे 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 पतला होते जाता है। क्यों? वो पिशाच उसके खून चूसते हैं। अभी दोनों बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे थे, एक दिन आपस में चर्चा की क्या ये पिशाच जन्म से हमें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, ऐसे ही हम पिशाच जन्म में पड़े रहेंगे भूत प्रेत होकर के। एक दिन हठात उन्होंने ये एकादशी की कथा उन्होंने सुने, बोले ये एकादशी में इतने जो कल जो एकादशी का नाम पाप मोचनी, बोले देखो ये एकादशी का नाम पाप मोचनी है, जिसको करने पर जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बोले चलो हम दोनों ये पाप मोचनी एकादशी को करते हैं। लेकिन रात को जब तक इसकी खून नहीं पिए वो जिंदा नहीं रह सकते, वो छटपट छटपट करते हैं। लेकिन इन लोगों ने बड़ी कष्ट को सहन करते हुए इन लोगों ने दोनों निर्जला एकादशी एक निर्जला एकादशी ये पाप मोचनी एकादशी की, तो उन्होंने ये पिशाच जन्म से दोनों मुक्त हो गए। फिर दोनों गंधर्व गंधर्वी बड़े सुंदर स्वरूप को प्राप्त करते हुए जब स्वर्ग में गए, इंद्र बोले इधर आ, बोले मैंने मेरे अभिशाप से तुम दोनों पिशाच जन्म लिए थे, ऐसे कौन सा पुण्य तुमने की जो कि ये पिशाच जन्म से तुम्हारी उधार हुई, बोले ये पाप मोचनी एकादशी व्रत हम दोनों ने किया, ये एकादशी व्रत के द्वारा हमारे जीवन की सारे पाप नष्ट हो गई, पुनः हम दोनों ये स्वर्ग को प्राप्त किया। देखो ये एकादशी की इतने महिमा, देखो आप लोग तो हिंदू है ध्यान देकर सुनो, आप देखना जब कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेट हुए है उसी में ही साल साल से पड़े हुए और पैसा टाटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उधार नहीं हो रहे, प्राण नहीं जा रहे, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ जल्दी से जल्दी इनकी मुक्ति कैसे मिलेगा, देखना वो ब्राह्मण बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसको फल दे सकता है, उसने और कोई व्रत का नाम नहीं लेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करके इनके फल दे सकता हूँ। मैं यूरोप गया था, वहाँ के डॉक्टर यूरोप में हालात में देखो मेरे अपना जीवन की कथा सुनो, एक व्यक्ति दो साल से वो पड़े हुए था हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती, एकदम वो दो साल से बिस्तर में टाटी पेशाब कर रहा था, प्राण नहीं जा रहा था, और इतने इतने वो दुख कष्ट उठा रहा था, इतने दुख कष्ट उठा रहा था, इतने पैसा खर्च हो रहा था, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहा था। जब देखा उन्होंने सुना इंडिया से कोई साधु आया है, तो उन लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले बाबा इनकी दुख हमारी सहन नहीं हो रही, तो बोला हड्डी हड्डी बिस्तर पे शरीर लग गया और प्राण गला में अटक गई, किसी तरह से प्राण नहीं जा रही, बहुत पैसा खर्च हो गया, और आप बताओ इनकी मुक्ति कैसे हुई, इनकी दुख नहीं देखा जा रहा है। मैंने कहा एक काम करो पूरा परिवार मिलकर के एकादशी व्रत करके इनका फल दो, बोले अभी 10 दिन बाकी, अभी 10 दिन 10 दिन ही बाकी बाबा। मैंने कहा एक काम करो संकल्प लो हम पूरा परिवार मिल करके एकादशी की फल इनको देंगे। मैंने उनको खड़ा करके हाथ में पानी दिया फूल दिया और मैंने संकल्प मैंने पाठ करवाया, बोले इनको सब बोलो हम सबके सभी जो आगे जो एकादशी आएगी इसका फल हम प्रदान करते हैं। वहां पर हमने हरे कृष्ण
वहां पर मैंने संकल्प करवाया, थोड़ी देरी बाद में उसका शरीर छूट गई, थोड़ी देरी बाद में ही उसका शरीर छूट गई। जब छूट गए उनकी फोन आई, बोले महाराज हमने संकल्प किया ना, थोड़ी देरी बाद में उनकी उधार हो गया। वृंदावन में एक समय कोई एक ट्रक में एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, वो गैया की हड्डी सब टूट गया उसकी। उसी समय अमेरिका में एक समय अमेरिका में एक माता जी थी, हमारे बड़े गुरुजिया शिष्य थी, उसने देखा वो गैया मेन रोड में इतने दुख उठा रहा था क्योंकि ट्रक से एक्सीडेंट हो गई, छटपट छटपट कर रही थी। तब हमारे बड़े गुरु जी को बोले, महाराज जी ये गैया बड़ा दुख पा रहा है, ट्रक से एक्सीडेंट हो गई है। गुरु जी ने कहा एक आप करो, जाओ उसको काना में बोल दो एक एकादशी का व्रत मैं तुमको दूँ, एक एकादशी का फल दूँ, इतना बोल दो। उसको काना में बोलते ही प्राण उसको छूट गए। आप लोग स्वयं देखना, बड़े से बड़े कष्ट घर में ही इसी तरह से वो कष्ट जा ही नहीं रहा है, केवल आप एकादशी व्रत करके वो फल दो, बड़े से बड़े पाप भी उससे मुक्ति हो जाती है। इसलिए ये एकादशी को बताया कल्प तरु व्रत है, 15 दिन में जो एकादशी स्वयं पढ़ लेना अगर ग्रंथ हो। किसी राजा का राज्य चला गया था, कोई संसार में बड़े दुख कष्ट बड़े कष्ट उठा रहे थे, लेकिन ये एकादशी व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो गया। जिस राजा का राज्य गया, राज्य वापस आ गया, घर का सारे अर्थ धन फल फलते फूल रहे। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा, कल जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इसको करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगा। देखो आप लोग ध्यान देकर सुनो, तभी आप एकादशी व्रत रखोगे। अभी प्रश्न है, अभी साइंस का युग है ना, अभी ये साइंस का युग है, लोग बोलते सब व्रत व्रत बेकार चीज है, सब बेकार चीज व्रत है। बोले नहीं, ये व्रत नहीं, इसमें कुछ साइंस है, इसमें कुछ साइंस है। देखो मन देकर सुनो, ये एकादशी व्रत में क्या साइंस है। कहते हमारे जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, वाल्मीकि पराशर व्यास, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये छोटे मोटे कोई साइंटिस्ट नहीं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, देखना आइंस्टाइन न्यूटन, इन लोगों ने बड़े बड़े फिलोसफी और बड़े बड़े उन्होंने थियोरी निकाल कर गई। लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट देखना उसमें बहुत गलत दिखा रहे हैं, इसलिए बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती। बोले क्यों? बोले अमुक साइंटिस्ट ने ये बताया था और ये साइंटिस्ट आकर उसका सारा फिलोसफी को काट कर चला गया। पहले ये पृथ्वी को बोलते थे ये पृथ्वी समतल है, ये पृथ्वी इसी विषय को लेकर बड़ी साइंटिस्ट में बड़े लड़ाई हुआ, लेकिन कलमस ने आकर के बताया नहीं ये पृथ्वी समतल नहीं, ये पृथ्वी गोल है। लेकिन भागवत में सुनो, भागवत में बताया भूगल और खगोल की कथा है। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी समतल नहीं, पहले हमारे शास्त्र भी बात बता दिया। इसलिए अभी प्रश्न है भैया ये एकादशी में क्या साइंस है, ये ऋषि मुनियों ने ये एकादशी व्रत को उन्होंने क्यों रखा, कारण क्या है? बोले कारण बताए, आप लोग अच्छे तरह से सुन लो, फिर एकादशी व्रत रखोगे। यदि ये शरीर एक मशीन है, आप कोई भी मशीन को कंटिन्यू चलाओ, देखना वो मशीन ज़्यादा देर नहीं चलेगी, वो खराब हो जाएगी, इसलिए उसको बीच बीच में उसको थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन संडे को छुट्टी रहता कि नहीं? अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी रहती। बोले क्यों बच्चों को छुट्टी क्यों दे, 7 दिन तक तो पढ़ाओ ना, बढ़िया लिखाई पढ़ाई करेगा। बोले नहीं पागल हो जाएगा, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 7 पीरियड 8 पीरियड, लेकिन बीच में एक खाली छुट्टी होता है, रिसेस होता है। बोले क्यों? बोले ये ब्रेन एक मशीन है, अगर ये मशीन को कंटिन्यू चलाओगे तो चलेगा नहीं, इसलिए बच्चों को खेल छुट्टी में, जब बच्चे थोड़ी सी खेल कूद कर लेते माइंड फ्री हो जाता है, फिर बच्चे जब पढ़ते हैं उसको फिर कैच करते हैं। कहते उसी तरह हमारा जो ये शरीर है ये एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर अगर मुंह चलाओगे ना, फिर ये मशीन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा देखो, इसलिए बीच बीच में ये शरीर को थोड़ी सी रेस्ट करो, शरीर को थोड़ी विश्राम दो, हैं? इसलिए बोले 15 दिन में कम से कम शरीर को दो विश्राम दो, 15 दिन में तो दो।
अभी यहाँ पर प्रश्न आता है, बोले भाई आप 15 दिन में एकादशी को क्यों देंगे, और भी तो व्रत हैं, उसी व्रत में हम शरीर को विश्राम दे सकते हैं, लेकिन एकादशी में ही क्यों विश्राम देंगे? इसका कारण बताए, आप लोग सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने हो, जुहार भटा होता है, लेकिन ये हाई टाइड कब होता है? ये होता है एकादश से लेकर के पूर्णिमा तक, ये समुद्र का पानी उफनती है। बोले क्यों उफनती है? आप लोग जो साइंस पढ़े होंगे आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है इसका माध्यकर ये पृथ्वी को खींचती है, ये जो पृथ्वी है ये चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन ये चंद्रमा पृथ्वी तो बहुत बड़ी, उसको तो खींच नहीं सकता, उसको तो खींच नहीं सकती, इसलिए उसका जो प्रभाव है ये पानी के ऊपर पड़ता है, ये तरल वस्तु के ऊपर पड़ता है चंद्रमा का प्रभाव। इसलिए आप लोग तो समुद्र के पास में रहते नहीं, मैं हम रहते हैं, इसलिए ये चंद्रमा जितने परिमाण से बढ़ती है वो पानी उतना ही ज्यादा उफनती रहती है। जैसे एकादश से लेकर के पूर्णिमा तक ये पानी ज्यादा उफनेगी। बोले क्यों? बोले चंद्रमा एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ये चंद्रमा ज्यादा बढ़ती है। यदि चंद्रमा पूर्णिमा तक ज्यादा ये बढ़ती रहती है, बढ़ने पर जितना चंद्रमा बढ़ेगा उतना प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है, फिर पूर्णिमा को बाद में फिर चंद्रमा घटने लग जाती है, ये पानी अपने आप जो ऊपर धीरे 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 कम होने लग जाती है। उसी तरह हमारे जो शरीर है ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। आप लोग बता सकते हो शरीर हमारे 5 तत्वों क्या क्या तत्वों में बना हुआ है? बोलो, कौन बोले, हाथ उठाकर बोलो, बोलो। हाँ, ये 5 चीज से बनी हुई है, वायु, अग्नि, आकाश, जल और मिट्टी, ये 5 चीज से बनी हुई है। लेकिन ये 5 चीजों में शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। कितना परसेंटेज है? 75% कम से कम शरीर में जल है। इसलिए शरीर में ज्यादा जल होने का नाते ये चंद्रमा का जो प्रभाव है ये शरीर के ऊपर पड़ता है। आप लोगों देख लेना, जिनका घुटने में दर्द है, कमर में दर्द, अब देखना एकादशी में थोड़ा ज्यादा होगा, द्वादश में और थोड़ा, पूर्णिमा में इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, देखना ज्यादा बीमारी लोग कब आते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक। किसी शमशान के पास में आप चले जाओ, देखना लोग कब से ज्यादा मरते हैं, और एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा मरेंगे। क्यों? ये चंद्रमा का प्रभाव ये शरीर में पड़ने पर ये शरीर में उथल पुथल मचने लग जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा, आप देखना ज्यादा खून खराबी देख लेना, ज्यादा लड़ाई फड़ाई होता है, आप देख लेना ये एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा खून खराबी। कहते माताओं को अंदर में चिड़चिड़ा पड़े, आप देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ज्यादा होगा। क्यों? ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव, कहते चंद्रमा का प्रभाव ये शरीर के ऊपर में पड़ता है, हैं? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा देखो एकादशी का दिन थोड़ी सी व्रत रखो। व्रत रखने पर क्या होगा? जैसे उसमें खाने के लिए क्या क्या चीज को मना किया, बोले अन्न जातीय चीज मत खाया करो, जैसे रोटी सब्जी दाल है चावल ये सब चीज मत खाया करो। 5 शस्य को मना किया है, जैसे गेहूं, जौ और गह और हमारे चावल, जितने तरह का चावल है और जितने तरह का दाल है सरसों, कहती है 5 रबी शस्य को मना किया है। बोले क्यों मना किया? देखो इसका क्या कारण है। जैसे आप रोटी खाओ, जैसे चावल खाओ, देखना स्पंज जैसे, स्पंज होने का नाते देखना रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में पानी मांगेगा, चावल खाओ स्पंज है और पानी मांगेगा, लेकिन बोले भैया फल मूल खाओ, अब फल खाओ देखना पानी नहीं मांगेगा, ये पानी नहीं मांगेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए इन लोगों ने जो जो बात बताया ना वो सब साइंटिफिकल सब रीजन है, साइंटिफिकल सब रीजन है। अगर हम लोग एकादशी का दिन अन्न खाएंगे, ये हमारे पद्म पुराण स्कंद पुराण में बताए, एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, जो सबसे बड़े जो 5 पाप, बोले एकादशी का दिन ये अन्न में रहता है। जैसे आप लोग अगर जैसे सोम मंगल बुध अगर ये व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी,
लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे उसमें हानि है, दूसरे व्रत में कोई हानि नहीं, एकादशी व्रत अगर नहीं करोगे उसमें नुकसान बताया। क्यों? ये पांच सस्यों में ये सारे पाप रहता है, अगर पाप होगा तो उसके लिए बीमारी पड़ेंगे, इसलिए बीमारी पड़ेंगे तो क्या खाएंगे, मेडिसिन, मेड ईट सीन, क्रोसीन, टेरामाइसिन, ये सीन सीन शब्द आता है, इसका नाम सीन है ना, सीन मतलब क्या, पाप है। बोले सब क्यों हो रहा है, बोले सब पाप से हो रहा है, इसलिए मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसीन, वो सीन सीन सीन, इसलिए मेडिसिन का नाम ही मेडिसिन मेडिसिन, ठीक है ना। इसलिए कल जो व्रत है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। बड़ा हर भागवत में अगर एकादशी व्रत आ गई ना, समझो उसमें चार चांद लग गया है, क्योंकि भागवत में केवल एकादशी की कथा आती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का भ्रम भी है। क्या भ्रम? पर इसको तो विधवा करते हैं, इसको सधवा करते नहीं। बोले नहीं, आप भागवत पढ़ करके देखो, अम्बर सिंह महाराज उनको पत्नी ये मथुरा में आकर के एकादशी व्रत करते, नंद जसोदा ये द्वादश युक्त एकादशी से उनको बेटा जन्म हुई है। जो जो एकादशी में आप देखना, सबसे बड़ा एकादशी का नाम आप पता है आपको, पूरी एकादशी में सबसे जो बड़ी एकादशी निर्जला, लेकिन कौन सा हाँ, उसका नाम पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव द्रौपदी कुंती को साथ में करते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी, इसे उसका नाम पांडवा निर्जला का सबसे बड़ी एकादशी है, जिसको पांडव लोग करते थे। इसलिए एकादशी व्रत को बताया 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी करनी चाहिए। इसलिए कल एकादशी है, इसलिए भागवत में एकादशी व्रत की बड़ी महत्व है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का भावना फिर उसमें उद्यापना करना पड़ता, नहीं हमारे वैष्णव जगत में कोई उद्यापना है ही नहीं। क्यों? एकादशी को हम लक्ष्मी मानते हैं, ये लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी को कोई त्याग नहीं करते, लक्ष्मी को घर में रखते हैं। और एकादशी व्रत का जो अधिष्ठात्री देवी ये स्वयं श्री राधा रानी, ये सीता लक्ष्मी है, लक्ष्मी को थोड़ी कोई त्याग देते हैं। इसलिए जब तक आपकी समर्थ है अब रखो, उसके बाद अगर नहीं रख पाते हैं ना कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग अच्छी अच्छी कथा सुनेंगे, कैसे दो राजा रानी थे, वो पहले जन्म में और जन्म था, लेकिन उनको पता नहीं था जो एकादशी, आज सवेरे उनमें लड़ाई हो गई। जब सवेरे लड़ाई हो गई, देखना अगर घर में लड़ाई हो जाए ना, 2-3 दिन तक निर्जला एकादशी चलती है, 2-3 दिन तक निर्जला एकादशी घर में चलेगी। दोनों पति पत्नी में सवेरे सवेरे पता नहीं था एकादशी, लेकिन वो सवेरे लड़ाई हो गई। पत्नी ने बोली मैं आज रसोई नहीं बनाऊंगी, पति बोला मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो रसोई क्या बनाऊंगी। बस उनको अनजान में एक एकादशी व्रत हो गई, और दूसरे जीवन में ये रूप मांगद महाराज बनकर के जन्म, ये पुराण की कथा है, कल हम ये सारी कथा सुनेंगे। इसलिए अब लोग कोशिश करना, कल एकादशी व्रत है, जरूर कल एकादशी व्रत रखना, कोशिश करना जैसे 12 बजे तक कुछ नहीं खाने की, ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी आप तो नवरात्रि तो व्रत रखे होंगे ना, उसमें जैसे आलू की सब्जी बना करके, कुटू का पकौड़ा बना कर खा सकते हो, हैं उसमें फ्रूट क्रीम खा सकते हो, दूध खाने के लिए तो बहुत है जितनी तरह का, लेकिन केवल अन्न नहीं खाना, रोटी हाँ पूरी ये सब चीज नहीं खाना, लेकिन और सारे चीज खा सकते हो। अगर कोई बीमारी 2 बार भी 3 बार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल अन्न को ग्रहण नहीं करना। अगर दिन में अगर कोई एक बार खा सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर 2 बार भी खाओगे कोई दिक्कत नहीं, 3 बार भी अगर ज्यादा कोई बीमारी, 3 बार 4 बार खाओ दिक्कत नहीं, लेकिन अन्न नहीं खाने का, ठीक है। कल एकादशी करना जरूर, और जो मांगोगे कल पाप मोचन एकादशी, जरूर एकादशी व्रत करना। फिर मैं कल बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी बड़ी सुंदर सुंदर मैं कल कथा सुनाऊंगा, ठीक है। बोले श्री एकादशी तिथि की, बोले श्री एकादशी महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आ देखो हरे कृष्ण, हम लोग 7 दिन कथा सुनेंगे हरे कृष्ण करते हैं, तब थोड़ी सुनेंगे, इसलिए हम लोग 7 दिन कथा सुनेंगे। लेकिन नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो,
कुछ लो और कुछ दो। भैया दे क्या और ले क्या? बोले जितने गंदी चीज देगा। बोले ले क्या? बोले अच्छी अच्छी चीज को लो, जीवन में बढ़िया बढ़िया चीज को ले लो और गंदी चीज को छोड़ देनी चाहिए। विशेष करके अगर हम भगवान की भक्ति करना तो विशेष करके हमको तीन चीज की ग्रहण करनी चाहिए। जैसे आप अमेरिका जाओगे, नहीं तो रसिया जाओगे, नहीं तो लंदन जाओगे, अब देखना आपको पास में तीन चीज की जरूरत होगी, तभी आप किसी विदेश में जा सकते हो। उसी तरह अगर हम लोग ठाकुर जी को पास में अगर हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। अगर विदेश जाओगे तो बताओ तो क्या तीन चीज होनी चाहिए? अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, ऐसे कौन सा तीन चीज होनी चाहिए जो जा सकते हो? बोलो तो जोर से। और बोलो सही बात बताए। पहला नंबर तुम्हारे पास में पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा नंबर होनी चाहिए वीजा, और तीसरा नंबर टिकट। तभी आप इसी दुनिया में भी अगर जाना चाहोगे तीन चीज की जरूरत है। इसलिए भागवत में बताए अगर हम ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हैं ना, इसलिए हमारे पास में तीन चीज की जरूरत है। पहला नंबर पासपोर्ट। बोले भैया पासपोर्ट क्या चीज है? बोले पासपोर्ट है गले में जरूर तुलसी की कंठी होनी चाहिए, गले में जरूर तुलसी की कंठी हो। इसलिए भागवत में श्री अजामिली चरित्र में आता है, जिस समय अजामिली ने अपना छोटा बेटे का नाम नारायण रखा था, जब जंतु तो उसको लेने के लिए आए, उसने अपना बेटे को कैसे पुकार दिया एक बार नारायण बोल करके। इतने में जमदूत आए थे, फिर वहां विष्णु दूत आए, दोनों में खूब लड़ाई हुई और विष्णु दूत ने जमदूत को मार मार कर वहां से भगा दिया। इसलिए इतने में श्री विष्णु दूत को श्री जमदूत अपना दूतों को जम महाराज दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको पास मत जाया करना, नहीं कैसे मार खाना पड़ेगा, पिटाई खाओगे। बोले हमें कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, हमें कोई लक्षण बता दो जिससे हमें पता पड़ जाए। तब उन्होंने बोले जैसे एक सधवा स्त्री, कैसे पता चलता है सधवा स्त्री? जैसे सिंदूर लगाते हो, मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनती है, हाथ में कोई शंखा पहनते हैं, इसे देखने से पता चलता है ये सधवा है। कहते उसी तरह कहते जो भगवान की भक्ति करते हैं कहते उनको पास में जो तीन लक्षण होता है, देखो ये श्लोक है। बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। ये जम महाराज कह रहे हैं। बोले पहला क्या लक्षण है? बोले पहले गले में तुलसी की माला जरूर धारण करें। देखो ये जो तुलसी माला है ये भी साइंस ही है। जब हमारे बड़े गुरुदेव जब अमेरिका गए थे, इस्कॉन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जब ये अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर बोले भैया तुम लोग गले में तुलसी कंठी पहनो, वो तो अंग्रेजी लोग है। बोले ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में क्या सोने चांदी की का अभाव है? हम सोने चांदी पहनेंगे, लकड़ी क्यों हम पहनेंगे? तब श्री स्वामी महाराज ने बोले देखो ये लकड़ी नहीं, इसमें बहुत सारे इसमें मेडिसिन है। उन्होंने हमारे वेद पुराण उपनिषद से बहुत सारे श्लोकों को उन्होंने उठा उठा करके उन्होंने प्रमाण दिया, देखो ये तुलसी वृक्ष में कितने शक्ति है। तब अमेरिका में यहाँ रिसर्च किया है। बोले भैया ये हिंदू लोग ये एक लकड़ी क्यों पहनते हैं? गले में जो तुलसी माला ये लकड़ी है ना, कहते ये हिंदू लोग एक लकड़ी क्यों पहनते हैं, इसमें है क्या चीज? और ये हिंदू लोग जैसे तुलसी वृक्ष है, हम इसको आरती उतारते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, तुलसी वृक्षों को हम पूजा करते हैं। बोले भैया ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं हिंदू लोग, क्या इसमें है? उन लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष है। आप लोग दुकान से एक मेडिसिन कल संग्रह करना, इस मेडिसिन शॉप में जाना, बोलना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतने बड़े आपको एक बोतल मिलेगा।
उसमें इतना बड़ा एक पेपर मिलेगा, वो पेपर को कल पढ़ करके आना, देखना उसमें क्या लिखा हुआ। कहते 200 तरह का जो बीमारी की प्रतिशोध को जो मेडिसिन, कहते ये तुलसी बिठा दी आपका, अगर ये पास में कहीं पातंजलि होगा रामदेव बाबा का, वहां पर भी देखना आप जा करके तुलसी जूस वहां मांगना, देखना वहां पर भी एक पेपर मिलेगा, वो पेपर को पढ़ करके देखना ये तुलसी वृक्ष में कितने सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में है। जब हम गले में ये तुलसी कंठी धारण करते हैं, समझो सारे मेडिसिन आपके गले में आ गए। हम लोग तो हिंदू है, देखना ये तुलसी को साथ में नारायण की शादी होती है, देखे कि नहीं, क्यों, ये तुलसी लक्ष्मी है। अगर गले में तुलसी कंठी है ना, कहते माँ लक्ष्मी की निवास तुम्हारी शरीर में होगी। जब भगवान ये जगत से गए, अपने आप को कहाँ रख कर गए, बोले ये तुलसी वृक्ष में। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले वृंदावन में बांके बिहारी। बोले भैया वृंदावन में बांके बिहारी क्यों है, बोले उसका नाम वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ठाकुर जी है। इसलिए अगर ये तुलसी कंठी आपकी गले में है, अरे कौन कौन आ गए बोलो, माँ लक्ष्मी और ये तुलसी में कृष्ण, इसलिए लक्ष्मी और नारायण की निवास ये गले में होगी, ये कारण है। दूसरा कारण देखो, प्रश्न है हम इसको गले में क्यों पहनते, इसमें क्या साइंस है। कहते आप लोगों को पता होगा, जो अगर किसी व्यक्ति को मारना हो ना, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, इतना गला केवल दबा दो, देखना खत्म हो जाएगा, गला केवल दबा दो, क्योंकि सबसे जो कोमल अंग ही गला है। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है गले में, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं बोलो, कहाँ पर ताबीज पहनाते हैं, गले में पहनाते हैं, क्यों, बोले गले सबसे सख्त सबसे कोमल अंग, इसलिए गले में अगर ये तुलसी कंठी धारण किया तो इसमें क्या हो गया, सारे मेडिसिन आ गई, माँ लक्ष्मी आ गई, नारायण आ गई, सबके सब गले में आ गए। इसलिए कोई भी गंदी चीज कभी भी आपका शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ये तुलसी आपको रक्षा करेगा। जब हम स्नान करेंगे ये तुलसी में पानी टच करेगा, सारा शरीर में जाएगी, शरीर का बड़ी बड़ी बीमारी ये अपने आप निकाल देती है, हैं? निकाल लेती है। इसलिए जब महाराज दूतों को बोले, बोले देखो, जब बोले किसको किसको कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, तो उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिए, बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू। आप देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते हैं, लेकिन बगैर पट्टे के जो कुत्ते जो घूमते हैं कहते ये फालतू है। अब देखना ये पालतू को तो कोई मारता नहीं और ये फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में तुलसी कंठी है ना, हम भगवान की पालतू है, ठाकुर जी की पालतू, ये जम कह रहे हैं, जिनकी गले में तुम तुलसी कंठी देखोगे दूर से प्रणाम करना, समझ जाना ये भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए ठाकुर का निज जन है। अगर कोई पाप कर्म करेंगे उसका मैं विचार नहीं कर सकता हूँ, इसका विचार तो ठाकुर जी करेंगे, जम स्वयं कहते हैं। इसलिए गले में हमारी जरूर तुलसी कंठी होनी चाहिए, हो गया तुम्हारी पासपोर्ट है। दूसरा नंबर क्या चाहिए, वीजा। कहते ये वीजा क्या चीज है, कि जो वीजा है ना ये तिलक, ये वीजा है, जो तिलक है ना ये वीजा है। देखो आप लोग सब हिंदू है, अब देखना जैसे एक व्यक्ति बिजनेस में जा रहे हैं, अच्छे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, नहीं तो कहीं युद्ध में, आप देखना उसको तिलक लगा कर भेजते हैं, बोले क्यों, तुम्हारी वो बिजनेस बन जाए, ये तिलक विजय का लक्षण है, हैं? ये तिलक विजय का लक्षण है। इसलिए आप देखना घर में अगर कोई ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक आपकी तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक ये तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, क्यों, तिलक के बगैर पूजा भी निष्फल है। अब देख लो भगवान कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान का राम को देखो तिलक है, हनुमान जी को देखना तिलक है, हैं? नारायण को देखोगे उनको तो आधा मुख उनका तिलक में ही आधा मुख भरा हुआ होगा, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। तिलक लगाकर जिस काम में जाओगे ना वो काम तुम्हारी जरूर विजय होगा, वो काम जरूर आपको बन जाएगा, इसलिए तिलक धारण करनी चाहिए। पहले जो हमारे हिंदू है ना,
जरूर तिलक लगाते थे, गले में कंठी पहनते थे, चोटी रखते थे। पहले हिंदू लोग ये सारी चीज को करते थे, लेकिन ये धीरे 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 क्या हुआ कि हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। देखो एक संत कह रहे थे, हमारे जो भारत है ना ये पूर्वी है, और जो पश्चिम है ये जो विदेश है ये पश्चिम है। इसलिए सूर्य क्या होता है, पूर्व से उदय होकर के ये पश्चिमी दिशा में अस्त होते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी दिशा में अगर उदय होकर के पूर्व में अगर अस्त हो तो ये गंदी चीज है। इसलिए अगर हमारी भारतीय संस्कृति ये पूर्वी हमें अगर ये संस्कृति अगर पश्चिम देश में जाए, इसलिए आप वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो आप देखना, वहां पर इस्कॉन मंदिर देखना, देखना कहाँ ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के लोग गले में कंठी माला तिलक वो लोग धारण करते हैं, भगवान की भजन करते हैं। अभी वो लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रही है, जो पश्चिम का जो सभ्यता अभी हमारे पूर्वी लोग ग्रहण करना शुरू कर दी। ये अंग्रेजियों का खान पान रहन सहन, हम लोग सोचते हैं अरे थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिया, अंग्रेजी जैसे रहन सहन कर लिया, अरे हम बहुत बड़े हो। नहीं, अगर पश्चिम का अगर सभ्यता अगर पूर्वी में आएगा तो ये पूर्व डूब जाएगी, ये पूर्व डूब जाएगी। इसलिए पूर्व देश का सभ्यता अगर पश्चिम देश में जाए तो वो देश का कल्याण है। इसलिए वो लोग कहाँ हमारी संस्कृति को, हमारी भागव हमारी भारतीय संस्कृति वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, हरिनाम तिलक माला कंठी वो लोग सब कैसे उदाहरण कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी क्या करना, पासपोर्ट वीजा हो गया, और तीसरा नंबर क्या है कहते, ये टिकट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टिकट होनी चाहिए। कहते भैया टिकट क्या है, बोले टिकट है ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की नाम ही टिकट है। इसलिए देखना जीवन में जो कुछ करना करो, लेकिन जब अंतिम समय में हमारी शरीर छूट जाती है, आप लोग देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब सुने होंगे ना, कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है सब कई बार झूठा, ये बोलते हैं ना। बोले बेटा जितने राम का नाम जितने कृष्ण का नाम लिए हो वही सत्य है, और तुमने जो कुछ लिया सब झूठा है। उसी दिन हम इनके घर में एक कथा सुना रहा था, ध्यान देख लो सुना। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करता है, जब क्लास फाइव में आता है उसको क्या बोलते, बोले बेटा अगर क्लास फाइव को अगर किसी तरह से अगर तू पास हो गया, पास बड़ा पार है, बच्चा क्या करता है जी जान लगा देता है, क्लास फाइव बढ़िया से हो गया है। अभी क्लास फाइव को पढ़ लिया, बोले भैया क्लास फाइव को सब के सब पढ़ते हैं, अभी टेंथ की एग्जाम आई, अगर क्लास टेन को अगर बढ़िया मार्क से ले आए ना पास सबका, बच्चा क्या करता है एकदम पूरा सारे एनर्जी क्लास टेन में लगा देता है, अगर बढ़िया नंबर, बोले भैया टेंथ तो सब के सब पास करते हैं, अभी जो ट्वेल्व में आएगा ना ये बोर्ड की परीक्षा, अगर इसमें बढ़िया नंबर लाओगे ना फिर इंजीनियर डॉक्टर, फिर उसको बाद में चूज करोगे क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बच्चा क्लास ट्वेल्व के लिए पूरा जीत जान लगा देता है, बढ़िया मार्क आने चाहिए, अभी बढ़िया 90% आ गया। बोले भैया सारा दुनिया ट्वेल्व करते हैं, अभी तो कोई एक सब्जेक्ट लोग पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर कुछ तो करो, अगर कर लोगे ना बस काम हो गया, अभी बढ़िया कोई सीए नहीं तो इंजीनियर भी बन गई। बोले बढ़िया सारा दुनिया तो ये सब काम करते हैं, लेकिन कोई नौकरी तो ढूंढो, अरे कोई नौकरी तो ढूंढो, फिर नौकरी ढूंढ ली, जब उसे नौकरी कर लिया, बोले भैया दुनिया नौकरी करते कौन नौकरी नहीं करता है, अरे शादी तो करो, इतना लिखाई पढ़ाई तुमने जिंदगी में क्यों की, शादी के लिए ना, अभी तो शादी करो, अभी शादी हो गई, जब शादी हो जाती है बोले भैया दुनिया शादी करते हैं, तुमने कौन सा बड़ी काम कर दिया, अरे बच्चे तो जन्म दो, अभी बच्चे जन्म दे दिया, बोले बच्चे तो दुनिया जन्म देता है, बच्चे को तो पालो, उसको तो लिखा पढ़ा सिखाओ, अभी बच्चे को अच्छी तरह से लिखा पढ़ा सिखा दिया, अरे बच्चे को तो पढ़ा, उसको तो शादी करवा बच्चे को, और बच्चे को उन्होंने शादी करवा दिया, अरे उसका तो नाती पोती होनी चाहिए, बच्चे तो होनी चाहिए। अब देखना करते 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 जब जीवन उसमें बीत जाती है, जब शरीर छूट जाएगा, अंतिम समय में क्या बोलेंगे, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा तुमने जो क्लास फाइव पास किया
जो 10th पास किया, जो 12th पास किया, जो सीए बा डॉक्टरेट तुमने की है, नौकरी चाकरी साधु सुधा तुमने कितने को चुकी है, बोले सब कोई बात छूटा है। और सच्चा क्या है? बोले राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। बोले भैया जो सत्य है उसके लिए क्यों नहीं करते हो? अरे झूठे के पीछे क्यों लगे हो? इसलिए उसको तो इसके लिए तो करो। इसलिए जीवन रहते रहते हमें क्या करनी चाहिए? भगवान के नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान के लिए दिया करो। आप देखना थोड़ी सी अगर सवेरे प्रभु का भजन नाम करते हुए काम करोगे ना, देखना सारी भगवान की आशीर्वाद से कितना करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अब स्वयं देख लेना, सवेरे 10 मिनट बैठ करके थोड़ा हरि नाम करो, उसमें जितने तुम्हें शांति मिलेगी, दिन भर में उतना शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। अब स्वयं ये चीज को परख करके देख लेना, प्रभु के नाम में कितने आनंद और कितने शांति, ठीक है। इसलिए सबके सब ठाकुर का नाम जप करना, गले में कंठी धारण करना, तिलक लगाना और भगवान की भजन करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, जोर से और जोर से, हाँ। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे किसी तालाब में एक पत्थर फेंक लो, तालाब में एक पत्थर फेंको, उसमें क्या होगा? उसमें लहरी आती है, देखना वो लहरी धीरे धीरे वो अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दो बार आएगा, फिर तीन बार आएगा। फिर उसी तरह जब हम ठाकुर जी के नाम जप करते हैं, इसका जो वाइब्रेशन है ना, जितना दूर तक इसकी आवाज जितने दूर तक जाएगी, कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए आप लोग स्वयं देख लेना, घर में बहुत परेशानी, इसी तरह से परेशानी तुम्हारी दूर नहीं हो रही है, इसी तरह से आप इधर उधर कहीं मत जाओ, अपना घर में बैठो, अपना पूरा परिवार को लेकर के बैठो, बैठ करके थोड़ी सी ताली बजाते हुए आप थोड़ी सी प्रभु का नाम कीर्तन करना। देखना बड़े से बड़े पाप, देखो मैं एक गांव का बच्चा हूँ, हमारे गांव में, हम तो गांव के थे, किस घर में कभी आग लग गई, किसी महामारी हैजा कलेरा हो जाता था, हमारे गांव के लोग क्या करते थे, जो ढोलकी और मजीरा लेकर के गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे। प्रभु का कीर्तन करने पर धीरे धीरे गांव का जितने दुख कष्ट अपने आप शांति हो जाती है। आप भी स्वयं देख लेना, घर में बैठ करके थोड़ी सी हरि कीर्तन कर लो, इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। आप स्वयं देख लोगे, जो चीज पैसा से तुम्हारी नहीं होगी, जन बल से नहीं होगी, वो चीज प्रभु का नाम से होगी। नहीं तो हनुमान दिन भर क्या बेकूफ है, दिन भर रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता, क्या बेकूफ है हनुमान जी? शंकर क्या बेकूफ है, जो कि महामंत्र जयी चपत महेशा, दिन रात शंकर जी प्रभु का नाम, क्या वो बेकूफ है? वो क्या बेकूफ थे? माँ को देवी को देखना, 8 हाथ में भी माला है, सरस्वती को 4 हाथ में माला है, अब ब्रह्मा जी की 4 हाथ में देखना माला है, वो सारे की सारे दुनिया प्रभु की नाम जब करते हैं, उसी व्यक्ति का जगत में उतना ही नाम है जो जितने प्रभु का नाम को जब किया है, उतना ही जगत में उसकी जय जयकार हो रही है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके थोड़ी हरि नाम करना, 10 मिनट बैठो, भगवान हमें 24 घंटा दिया है, उनके लिए 10 मिनट कम से कम, ठाकुर के लिए 10 मिनट दो। इसलिए सूरदास का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिल खलकान। जिसने तुम्हें दुनिया दिया, सब कुछ तुमने दिया, तुमने उसको ही भूल कर कैसे बैठ गया। इसलिए कहते कैसे नमक हरामी, में नमक हरामी, मौसम को न कुटिल खलकानी। अभी हम लोग श्री गिरिराज जी कथा सुनेंगे और हमारे प्रभु जी 5 मिनट थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, उसके बाद में गिरिराज जी कथा
फिर आप लोगों को प्रसाद लेकर के जाना। और गिरिराज की बड़ी महिमा है, क्योंकि जीवन में जो एक बार गिरिराज की पूजा कर लेना, जीवन का सारे दुख कष्ट उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो कल है, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, कल श्री राधा रानी। आप लोग वृंदावन गए हो? आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? अब देखना वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जोर से बोलो, वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते। क्यों? राधा रानी बड़ी दयालु माँ है ना। बच्चे के जो भूख लगी किसके पास में जाता है? और माँ के पास में जाता है। इसलिए अगर राधा रानी के पास में जाओ ना, जीवन का सारे दुख कष्ट समस्या क्या करती, माँ सब दूर कर देती है। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल आप लोग सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना। कौन सा रंग के? बोले गुलाबी रंग क्यों पहनेंगे? देखो राधा रानी का जो लहंगा है ना, यदि ये नील रंग है, और उनका जो चुंदरी है राधा रानी की, यदि ये गुलाबी रंग है। बोले क्यों गुलाबी रंग के? क्यों? आप लोग होली खेले हो? कौन कौन होली खेले हो? आप देखना जो गुलाल का जो रंग है ना, गुलाल रंग किसका? ये जो गुलाल सुंदरी गुलाल रंग के, जैसे राधा रानी कृष्ण और कृष्ण राधा रानी को पहनती है। मतलब क्या? यदि जो गुलाल रंग है ये अनुराग की प्रतीक है, ये इसलिए राधा रानी तो हमारे जो कपड़ा का रंग देगा वो भी गुलाल रंग। बोले क्यों? ये जो गुलाल ये प्रेम का रंग गुलाल रंग है, इसलिए मानो राधा रानी अपना शरीर को कृष्ण की प्रेम की रंग से वो ढक करके रखी है। इसलिए कल सबके सब कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आओगे? कौन सा? हाँ, सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना, और कल से राधा रानी की जन्म उत्सव मनाएंगे। भाई चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनकी ऐसी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अपने शिक्षक गुरु व्यास मंच आशी पूज्य पाद श्रीमूर्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनसे उनकी ऐसी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि ये हम सब पे कृपा करें, और जो मानव जीवन है हमें मिला है, बड़े दुर्लभ मानव जीवन जो हमें मिला है, हम जिस चीज़ के लिए मिला है हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ बोलने से पहले कुछ दिन पूर्व मैंने कुछ बोलने की चेष्टा करी थी, तो एक प्रश्न फिर से दोहराता हूँ। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? और उसको जाके क्या बताते हैं? अपनी गलत। अगर डॉक्टर कोई बीमारी बताएंगे तो फिर वो डॉक्टर या हम डॉक्टर? हम डॉक्टर को जाके अपनी परेशानियां बताते हैं, सिम्टम बता दें, डॉक्टर साहब उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, हाँ कुछ खाती हूँ तो उल्टी आ जाती है, हम सिम्टम बताते हैं। और फिर वो जो डॉक्टर साहब हैं, जो उन्होंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं कई सालों से, और कई सालों का जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस उस किताब से उस ज्ञान से वो फिर क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, और क्या करते हैं? आपको एक नाम बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, और फिर पर्चे पे बीमारी लिख देते हैं और उसके साथ साथ उसकी दवाई लिख देते हैं। और जब वो पर्चा लेके मैं केमिस्ट के पास जाता हूँ, तो केमिस्ट भी बड़े आराम से देखता है। देखो इंडिया में हालांकि ये बड़ा इतना अच्छी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, आप जाके केमिस्ट से ही दवाई मांग लोगे ना वही दे देगा, पर विदेशों में, इंडिया को छोड़ के किसी और देश में जाओगे ना, बिना केमिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के आपको डिस्प्रिन तक नहीं मिलेगी, ठीक है?
तो सोचो अब उस डॉक्टर ने उस पे दवाई लिख दी है, अपना स्टैंप लगा दिया, अपने साइन कर दिए हैं, तो केमिस्ट अब आपको दवाई देता है और आप भी उस श्रद्धा से कि देखो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, अब इसने दवाई दी है तो वो दवाई मैं लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और केमिस्ट भी आपको बड़े आराम से दवाई दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या इस संसार में हम सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? तकलीफ किस किस के पास नहीं है? तकलीफ नहीं है, खाली नीचे हो गए। इसलिए एग्जाम में लिखा होता है पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, तो वैसे क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। तकलीफ किसके पास नहीं है? उमा आपके पास नहीं है? अच्छा हाथ नीचे, सबके पास यानी है। तो अपनी तकलीफ से एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं हमारे बीच में, 7 दिन के लिए आए हैं कृपा करने के लिए हम पे। अपनी तकलीफें आके बता दो, ठीक है, अपनी तकलीफें बता दो। और जो ये शास्त्रीय ज्ञान जो कि ना हमें स्कूलों में मिला, ना घर पे मिला, ना कहीं पे मिला, वो इसमें से, ये वैदिक ज्ञान में से, ये वेद है क्या, ये शास्त्र है क्या, ये हमारी मैनुअल है, ये हमारी मैनुअल है। जैसे एक कोई भी आइटम लेके जाते हैं, खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल होती है कि खराब हो जाए तो ऐसे कर लेना, सेल ऐसे बदली करने हैं, इस बटन से ये होगा, ऐसे ही ये शास्त्र हमारी मैनुअल है। हमने ढंग से पढ़ी नहीं, समझी नहीं, पर इन डॉक्टर साहब ने अच्छे से ढंग से पढ़ी हुई है, समझी हुई है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत मरीज ठीक कर चुके हैं, ठीक है, बहुत मरीजों को ठीक कर चुके हैं। तो चुपचाप चले जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम सबके पास है, तो अपनी प्रॉब्लम में बता देना और फिर वो पर्चे पे आपको दवाई लिख के देंगे, ठीक है। और दवाई जब लिख के देंगे और स्टैंप कर देंगे, साइन कर देंगे, तो अब क्या होगा, केमिस्ट, अब यहाँ केमिस्ट कौन है, केमिस्ट कौन है यहाँ, केमिस्ट भगवान स्वयं है। कहता क्यों भाई, वो दवाई कहाँ से मिलेगी, मेरे पास से ही तो मिलेगी। तो भगवान फिर वो दवाई, मतलब जो आप दवाई लेना शुरू कर देते हो, जो दवाई उन्होंने बताई है, वो फिर काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साइंड एंड स्टैम्प हो गया। क्या हो गया? साइंड एंड स्टैम्प हो गया। अब देखो, ऐसे तो मैं भी आपको दवाई बता दूंगा, भाई दवाई देखो ऐसा है, कोई भी प्रॉब्लम बता देना, एक ही दवाई बताएंगे डॉक्टर साहब, वो है हरिनाम करो, जाओ करो, जाओ करो, पर उससे कुछ सही नहीं होगा, आपकी बीमारी एकदम से सही नहीं होगी। कैसे? एक तुलसीदास जी के जीवन में एक लीला हुई, वो समझाता, वो बताता हूँ, उससे शायद कुछ समझ में आए। तुलसीदास जी तो जानते ही हैं हम सब, तुलसीदास जी को तो जानते हैं ना। तो तुलसीदास जी क्या है, क्या है, रमता जोगी बहता पानी, भगवान के भक्त हैं, कभी इस जगह, कभी इस राज्य, कभी इस नगर, कभी इस गांव, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के नाम के महिमा बताते हुए ऐसे घूमते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वो एक राज्य में पहुंचे, राजा राम भक्त है, उस राज्य का राजा राम भक्त है। अब तो क्या हुआ, जो वहां का जो राज पुरोहित होते हैं, महल के राज पुरोहित थे, वो राजा के पास गए, आपको पता है तुलसीदास जी आए हैं हमारे गांव में, बहुत ही बड़े और बहुत ही सुंदर राम भक्त हैं, और हम, मैंने ऐसा सुना है और मुझे विश्वास भी है कि ये राम जी के दर्शन करा देते हैं राजन, तो जाओ मिल के आओ। अब राजा को पता चला, क्या अच्छा, ऐसा कोई साधु संत आया है जो राम जी के दर्शन कराएगा, तो चलो, सेना को आदेश दिया कि चलो भाई सेनापति, उठाओ अपनी अच्छी वाली टुकड़ी और थाले भर लो। क्या भर लो थालों में? सोना, चांदी, अशर्फियां, खाने के लिए ये रेशमी कपड़े, और चलो चलते हैं कहां, उस संत के पास। तो अब राजा कैसे जा रहा है, अपनी पूरी अकड़ में कि मैं क्या हूं, इस देश का राजा हूं, और ये पूरा धन दौलत और ये सब चीजें दिखा दें दिखाने के लिए संत के पास पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो तुलसीदास जी क्या, एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगवान का नाम कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो राज पुरोहित जी ने प्रणाम किया और राजा को भी कहा कि संत है, इन्हें प्रणाम करो। राजा ने प्रणाम किया, पर अभी भी क्या है, अहंकार है, क्या है वो, राजा है। और गया, साधु बाबा, इस देश का मैं राजा हूं और मैंने सुना है आप राम जी के दर्शन कराते हैं,
तुलसीदास जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, राजन आपको क्या करना है, केवल राम जी के दर्शन चाहिए। राजा सोचा क्या बोल रहा है, केवल राम जी के दर्शन चाहिए, जैसे बड़ी छोटी सी बात हो। हाँ हाँ हाँ, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। कहता बस इसके लिए इतनी दूर तक चल के आए, लो तुम्हें एक सरल सा उपाय बताता हूँ, तुम बस ये नाम बोलना, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तुम ये नाम लेते रहना और देखना तुम्हें राम जी दर्शन दे देंगे। तो राजा कहता आपको बता दूं एक बार, मेरी माँ भी राम भक्त थी, हमारे महल में बहुत बड़ा राम दरबार है और बचपन से मैं राम जी की पूजा कर रहा हूँ। ये जो नाम आप बता रहे हो ना, मैं बचपन से कर रहा हूँ, ठीक है, इतने साल हो गए हैं पर मुझे आज तक राम जी के दर्शन हुए ही नहीं। तो ये आप ना टकाने वाली बात मत करो, देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं सोना चांदी लाया हूँ, रेशमी कपड़े, ऐसी ऐसी खाने की चीजें जो शायद आपने कभी कहीं किसी राज्य में देखी भी नहीं होंगी, ये सब ले लो और मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी ने बड़े सरल रूप से कहा कि देखो राजन, जो उपाय था वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेना ना लेना अब ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी बस यही है। और फिर तुलसीदास जी अपने राम नाम के जप में फिर लग गए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता ये राजपुरोहित की तरफ देखा कि कहाँ ले आए भाई, मुझे नहीं लगता ये साधु सही है, ढोंगी सा लग रहा है। कहते उठाओ सारा सामान और चलो वापस महल में। चले गए फिर राजा जी। अब दो दिन के बाद देखो, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना नहीं, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन को फिर भी गर्मी चाहिए पिघलने के लिए, पर संत का हृदय क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, शक्ल देख के पहचान जाएगा बेचारा बड़ी प्रॉब्लम है। और हृदय से भगवान के उपदेश बाहर निकलेंगे, भगवान के नाम आपके लिए बाहर निकलेगा और आपके लिए प्रार्थना वो स्वतः कर देंगे। पर साथ ही साथ देखो, जैसे ही जैसे महाराज जी हमारे लिए यहाँ आए, पूरे घूमते रहते हैं, आपको पता है सुबह निकले थे वृंदावन और दोपहर को कुछ घंटे पे बस कुछ टाइम पहले ही कथा शुरू होने से वृंदावन से वापस आए हैं, पर फिर दोबारा बैठे। तो देखो इतनी करुणा है संत हृदय में। अब कथा में हम ऐसे ही वापस आते हैं। अब तुलसीदास जी क्या हुआ, दो दिन के बाद राजा के राजमहल में पहुंच गए और जाते ही देखो क्या कहा, सैनिकों राजा को बंदी बना लो। अब जैसे आप आश्चर्यचकित मुझे देख रहे हो ना, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही सारे दरबारी देख रहे थे इसको क्या हो गया। और राजपुरोहित जी खड़े हो गए एकदम से, उन्हें लगा कि तुलसीदास जी संत हैं और ऐसे कटु वचन और ऐसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ रहस्य है। तुलसीदास जी ने 5-6 बार चिल्लाया, सैनिक को तुम्हें सुनाई नहीं देता, राजा को बंदी बना लो। अब जब इतनी बार बोला ना तो कुछ हुआ ना हुआ, पहले तो सब हंस रहे थे राजदरबारी, राजा भी हंस रहा था कि देखो ये संत है या क्या है, पागल सी एक्टिंग कर रहा है। अब राजा को गुस्सा आ गया, राजा खड़ा हुआ सीधा चिल्लाया क्या, बोला सैनिकों, बोला ही था सारे सैनिक भागते हुए आए और तुलसीदास जी को तो एक तरीके से समझ लो उठा ही लिया। अब सारे तो गुस्से हैं, राजदरबार पूरा गुस्से में है, राजा गुस्से में है, पर तुलसीदास जी बड़े उससे हंस रहे हैं, बड़े जोर जोर से हंस रहे हैं। तो राज पुरोहित जी गए राजा के पास और कान में बोले कि राजन एक बात मेरी मान लो, ये संत हैं, इनकी हर एक क्रिया एक शिक्षा देती है, तो कुछ शिक्षा देने आए हैं ले लो, और याद रखना पिछली बार तुम बड़े घमंड में गए थे इसलिए कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, कभी संत दर्शन करने के लिए जाना ना तो अपना अहंकार, चाहे वो रूप का हो, जन्म का हो, कुल का हो, ऐश्वर्य पैसे का, किसी चीज का भी हो, उसको अपनी तिजोरी में रख के आना। जब संत दर्शन करने के लिए और सत्संग करने के लिए आना, अपना अहंकार छोड़ के आना, और फिर जब सत्संग करोगे, साधु का संग करोगे, दर्शन करोगे तो लाभ होगा। तो राजा को ये बात समझ में आई कि उस दिन मैंने शायद ये गड़बड़ करी। अब राजा बड़े दीनहीन भाव से गया उनके पास और कहता कि हे साधु, हे संत बाबा, आपकी उस दिन की बात भी आज समझ में नहीं आई थी मुझे, आज जो किया वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, जरा मुझे समझाओ आप कहना क्या चाहते हो, मैं बड़ी मोटी बुद्धि का हूँ, ऐसे ही हमें भी जाना चाहिए, डॉक्टर साहब मैं बड़ी मोटी बुद्धि का हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं बीमार हूँ,
पर फिर भी आप मेरी बीमारी का इलाज कर दो। तब तुलसीदास जी उनको कहते हैं कि राजन समझना, मैं इतनी देर तक चिल्लाता रहा, सैनिकों इस राजा को बंदी बना लो बना लो बना लो, क्या उन्होंने सुना नहीं? क्या वो बहरे थे या उस समय के लिए ही बहरे हो गए थे? नहीं, उनके कान में आवाज गई है, दिमाग से समझा भी है कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पर देखो तुम खड़े हुए, तुमने इशारा मात्र ही किया और इन्होंने फट से वो कार्य कर दिया। तो यही बात समझना कि जब एक व्यक्ति जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा होता है, जिसके पास वो अथॉरिटी होती है, जिसके पास वो चीज क्या बोलते हैं उसको, एक एक शब्द है हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्व, इस अर्थ में गुरुत्वाकर्षण है ना, तभी तो हमें खींच के रखता है। ऐसा ही गुरुत्व होता है साधु में, संत में, किसी गुरुत्व की वजह से उस साधु या संत को हम गुरु बनाते हैं, ऐसा गुरुत्व कि भगवान को अपनी तरह खींच लेते हैं। तो ऐसे गुरुत्व वाले साधु संत से जब तुम नाम लेते हो, तब वो नाम क्या असर करता है, वो गुरुत्व उस नाम में भी चला जाता है और फिर वो नाम भगवान के कानों में पड़ता है और भगवान खींचे चले आते हैं। पर उससे पहले वाला नाम क्या बेकार गया भाई? अभी भी तो नाम कर रहे हैं, बिना गुरु के भी जो नाम कर रहे हैं, तो वो जो नाम है ना, वो नाम क्या करेगा, पहले गुरु को ही खींचेगा कि तुम्हें किसी तरीके से मैं साधु के पास, संत के पास पहुंचा दूं। क्यों? क्योंकि मैं भी काम करना चाहता हूं, पर क्या है, थोड़ा सा अथॉरिटी स्टैंप साइन करवा लो। तो ऐसे ही समझना इस बात को, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हम सब प्रॉब्लम में, मान लो इस चीज को, जो नहीं मान रहा है बता दो, अभी मैं भी बता दूंगा कि हाँ प्रॉब्लम में हो, हम सब प्रॉब्लम में है। अपना पर्चा लेके पहुंचो, पूछो कि मेरे साथ ये हो रहा है, पड़ोसन देखो तरक्की पे तरक्की कर रही है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो व्रत भी रखती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ। प्राय यही क्वेश्चन सबका होता है कि बुरे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भाई मैं तो अच्छे से चलती हूँ, किसी का बुरा नहीं करती, पर मेरे साथ ही सबसे ज्यादा बुरा होता है, पूरे मोहल्ले में किसी की गाड़ी चोरी नहीं होती, चोरी होगी तो मेरी ही होगी, ठीक है, पानी किसी का बंद नहीं होगा, बंद होगा तो मेरा ही होगा, बिजली किसी की नहीं कटेगी, कटेगी तो मेरी कटेगी, ये सब ज्यादा, ये असली प्रॉब्लम है नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जन्म लिया, मैं मृत्यु की तरफ चल रही हूँ, मुझे बीमारियां आ रही हैं, मैं बुढ़ापे में हूँ या बुढ़ापा आने वाला है, और तीन तरीके के ताप मुझे हर समय मिलते रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। टेंशन डिप्रेशन है मुझे, सर्दी गर्मी से मैं परेशान रहती हूँ, कोई मुझे कुछ बोल देता है तो बड़ा आघात लगता है। तो मुझे ये असली, मेरी ये सात प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम की दवाई बताओ जिससे कि मैं इसमें से निकल पाऊँ। और देखो अभी हमने एक कीर्तन किया, प्रभु जी ने बड़ा सुंदर कृष्ण जन्म का कीर्तन किया, आप उछल उछल के नाच रहे थे, कुछ समय के लिए कैसा आनंद आ रहा था। तो सोचो अगर उस दवाई से, जो वो तीन चीजें हैं, पासपोर्ट वीजा और टिकट लग जाए मेरी, तो क्या होगा, मैं साक्षात वहां नंद बाबा के अगर आंगन में उपस्थित होंगी तो मेरा क्या हालत होगी। हाँ वहां पे पति भी नहीं होगा टोकने के लिए कि मत नाच, ज्यादा मत नाच, तेरा जेठ देख रहा है, ठीक है। और वहां पे ऐसे हमारे हमारे ये स्थूल शरीर नहीं होंगे, पंच भौतिक शरीर नहीं होंगे, एक सुंदर गोपी शरीर होगा, गोप शरीर होगा, ना घुटने में दर्द होगा, ना कंधे में दर्द होगा, ना कोई बीमारी होगी। और जैसे ही नाचने लगेंगे, उछल उछल के नाचेंगे, उस आनंद को लेंगे। तो कौन कौन उस आनंद को लेना चाहता है? अभी भी पीछे हाथ नहीं उठ रहे, हाथों में दर्द है, देखो सब लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो दवाई ले लो, ठीक है ना, सब क्या करो, अपनी टिकटें लेके जाना, ठीक है ना, क्या लेके जाना, टिकटें लेके जाना। गॉड प्रेमानंद हरी हरी वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कल एकादशी व्रत जरूर रखना, ठीक है, अगर किसको इच्छा हुआ माला लेकर जप करना चाहते हैं, अगर आप लोग आओगे माता जी घर 7-8-9 बजे आओगे, अब घर माला देंगे,
और अगर अब लोग कोई अगर मांस मछली अंडा अगर कोई नहीं खाता होगा पर प्याज तक भी अगर नहीं खाते होगे ना अगर प्याज तक भी नहीं खाते होगे फिर तो आपको हम तुलसी माला देंगे गले में कंठी तुलसी जप करने के लिए अगर बोलोगे नहीं एक साथ में छोड़ नहीं पाऊंगा धीरे धीरे छोड़ूंगा आपको हम नीम की माला देंगे आप उसमें हरिनाम करते रहना करते करते धीरे धीरे देखना ठाकुर का नाम जितने लोग आप स्वयं देखोगे बड़े से बड़े प्रॉब्लम अपने आप खत्म होते जाएगी अब स्वयं देखोगे जिस प्रॉब्लम को आप खत्म नहीं कर पाते अपने आप सही हो जाएगा फिर मैं जब बीच में आऊंगा फिर तुलसी माला दूंगा ठीक है और देखो जैसे हम कथा करके जाएंगे ना हम चाहते हैं इसका लाभ आपको कंटिन्यू मिलता रहे इसलिए हम चाहेंगे जैसे माता जी घर में हाँ ममता माता जी और हमारे श्री प्रभु जी घर में 15 दिन में हो नहीं तो 1 महीना में हो यहाँ पर एक बार सत्संग के लिए ठीक है ना इन घर में हम चाहेंगे इस घर में सत्संग हो लेकिन आप लोग ये जो प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना ये हाँ प्रभु जी आएंगे इसलिए बीच बीच में आएंगे प्रभु जी भी बीच बीच में आएंगे और भी हमारे संत लोग बीच बीच में आएंगे आपको कथा सुनाते रहेंगे ठीक है ना इसलिए आप लोग आना देखना आप घर में अगर आप भक्ति में आओगे ना आपका बच्चे कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे आप स्वयं देख लोगे शराब कभी नहीं पियेंगे सिगरेट नहीं पियेंगे उल्टा सीधा संगत में नहीं जाएंगे देखना घर आपका भगवान की धाम बन जाएगा आप स्वयं देखोगे ठीक है बोले श्री गिरिराज महाराज की अभी 5 मिनट में कथा को विश्राम देते हैं ठीक है अभी हम गिरिराज को गिरिराज अभी तक लाए नहीं सर लेकर के आ जाओ गिरिराज को लेकर आ जाओ जाओ गिरिराज गोवर्धन ले आओ बोले श्री गिरिराज महाराज की अरे जोर से जयकार लगाओ जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार लगाएगा कल मैं बता रहा था ना गिरिराज से जो मांगोगे स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान गिरिराज सब इच्छा को पूरी कर देते हैं जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार देगा उतना ही उसकी पाप जाएगी और उतना पुण्य उदय होगा इसलिए जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की बोले श्री गिरिराज बाबा की अर्जुन नंद जसोदा कौन कौन बन रहे थे और कृष्णा सब लेकर गाना ठीक है हाँ देखो सब घुमा रहे ना बैठ प्रभु जी बोल रहे बैठ बैठ के घुमा रहे हैं सो रहे हैं सोना नहीं सब जगना हरे कृष्णा देखो कहते जो गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए और गिरिराज है कौन ये चीज को सुनो बोले एक समय गोलक वृंदावन में श्री बांके बिहारी और श्री राधा रानी दोनों बैठे हुए थे आपस में चर्चा कर रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर हर तरह का फल हो फूल हो सुंदर झरनाएं हो सुंदर नदी हो सुंदर पुष्करणी हो जहाँ पर चार तरह का कमल का फूल खिला हुआ हो बेली चमेली जुई सब फूल खिला हुआ हो जहाँ पर गर्मी नहीं ठंडा नहीं ऐसे एक सुंदर स्थान हो तब से राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करते हैं जैसे राधा रानी का हृदय बड़ा कोमल है वो माँ है जैसे माँ कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती है उसी तरह ही जो गिरिराज गोवर्धन है ये माँ के हृदय है हाँ माँ हृदय जैसे कोमल होता है इसलिए गिरिराज से आप जो मांगोगे गिरिराज की जो परिक्रमा करते हैं ठाकुर जिसको पीछे 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 चलते हैं इतने कष्ट कर रहा है मेरे से क्या मांगेगा जो मांगो गिरिराज वही दे देते हैं कल हमें सुना रहे थे ना जितने वहां पर गिरिराज की जो पत्थर है शिला है जितना शिला के ऊपर शिला रख लो ना उतना मंजिली मकान गिरिराज जी उतना मंजिली मकान गिरिराज जी दे देते हैं हम लोग आज भी हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करेंगे गिरिराज की शिला किसी भक्तों के घर में ये कथा के बाद में बीच में ये गिरिराज शिला रख लेंगे और ये गिरिराज शिला को लाए ना हाँ ये शिला रख करके हम ये गिरिराज की हम परिक्रमा आज लगाएंगे ठीक है आप लोग जरूर गिरिराज की परिक्रमा लगा करके जाना गिरिराज से जो मांगोगे गिरिराज जी आप सारी इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देंगे एक दिन गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण राधा रानी से बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ तो चलोगी बोले मैं नहीं जाऊंगी बोले क्यों अभी क्या उनको ला रहे हो
दो मिनट खड़े कर दो, दो मिनट कोई बात अभी अभी क्योंकि अभी वो दो मिनट के बाद खड़े हो जाए फिर उनको ले आना। इसलिए राधा रानी से बोले राधे चलो, कि बोले मैं नहीं जाती, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, भैया मैं वहां जाकर क्या करूंगी। कृष्ण बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा ना, ये जो कुछ गोलोक वृंदावन में देख रहे हो ये सबके सब मरते जगत में आएंगे, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरे पिताजी माताजी सखा आएंगे, तू अकेले थोड़ी आओगे, तेरे साथ में तेरे पिता माता सखियां और ये गिरिराज नंदगांव सब आएंगे। तो राधा रानी बोले फिर तो मैं आऊंगी, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं ये गोलोक वृंदावन से ही ये मर्त्य जगत में गिरिराज प्रकट हुए, ये कोई पहाड़ गिरिराज नहीं, इनकी अलग अलग कथा आती है। देखो ये कथा कैसे गिरिराज कैसे, बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश कठोर तपस्या की, जब बांके बिहारी संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा गो, बोले प्रभु आपके चरण की हम सेवा चाहते हैं, बोले किस रूप में, बोले ब्रज में अगर हम पहाड़ रूप में भी हमारी जन्म हो जाए हम अपना जीवन का धन्य मानेंगे। तब स्वयं शंकर जी नंदगांव कोई गए हो, कौन कौन नंदगांव गए देखना, वो नंदगांव नहीं वो नंदीश्वर महादेव, बरसाना कौन गए वो बरसाना नहीं वो स्वयं ब्रह्मांचल पर्वत है, गिरिराज कौन गए ये स्वयं भगवान विष्णु है, इसलिए इनकी एक कथा है। दूसरी है कभी ये कृष्ण स्वयं एक स्वरूप में पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में पूजा को स्वीकार किया, ये गिरिराज और कोई नहीं ये भगवान श्री बांके बिहारी ही गिरिराज रूप में प्रकट हुए। इनका जो तीसरा स्वरूप किया राधा रानी खुद कहती है हंताय अत्रिय बला हरिदास भज्य, ये भगवान की सबसे परम भक्त श्री गिरिराज हर तरह से कृष्ण को फल फूल प्रदान करती है, कृष्ण गैया चराते हैं, गिरिराज को 7 दिन तक उन्होंने धारण किया, वहाँ का पानी पीते हैं, फल फूल सब कुछ गिरिराज गोवर्धन से उनको प्राप्त होती है। इसलिए हरिदास में भगवान की सेवक में सबसे बड़ा सेवक श्री गिरिराज गोवर्धन। एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, कृष्ण बोले मैया मैया कल मैं मेरे क्या जन्मतिथि है, बोले नहीं, बोले ताऊ भैया का, बोले नहीं, बोले फिर तू इतना रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्या क्यों बना रहे हो, बोले बाबा पूजा कर पूछ, अभी वो जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठ गए, ताली पकड़ ली, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर इतने बढ़िया बढ़िया मालपुआ पकवान क्यों बना रही है, बोले लाला कल हम श्री इंद्र पूजा करेंगे, बोले पिताजी इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग का राजा है और इनकी अधीन में बारिश ही है, हम लोग तो ग्वाला हमारी जो धन ये गैया धन हमारी गैया है, इसलिए ये उपयुक्त समय पर बारिश बरसाने पर घास होती है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, उससे दही उससे मक्खन उससे घी फिर उससे जितने मिठाई सब दूध से होता है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी ये जो इंद्र है ना इसका अपना गांड में कुछ है ही नहीं, इसका अपने गांड में कुछ नहीं है पिताजी, जब आप इंद्र को प्रार्थना करो ये इंद्र फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान की आर्डर हो फिर तो ये इंद्र दे सकते, जैसे यहाँ पर कोई मंत्री आप मंत्री को प्रार्थना करो वो किसको उसको ऊपर मंत्री फिर ऊपर मंत्री फिर लास्ट में मोदी तक जाएगा, अगर मोदी का अर्डर होगा ना फिर तो कोई चीज आती है, फिर उसी तरह जो सर्व कारण का कारण ही भगवान कृष्ण है और ये जो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ही है, इसलिए बोले पिताजी आप जो ये गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो ना ये पत्थर नहीं पिताजी ये ब्रज की देवता है, आप कहते हो मेघ इंद्र देता है नहीं वो मेघ आकर के टकराता है कहाँ पर ये गिरिराज गोवर्धन में टकराता है और उसमें सुंदर सुंदर फल फूल लता पता पेड़ इसलिए वो टकरा करके ये बारिश होती है पिताजी, इसलिए पिताजी बता आप कब से इंद्र पूजा कर रहे हो, बोले जब मैं होश आया, बोले इंद्र देखा कि नहीं, बोले नहीं, बोले पिताजी जब गिरिराज के पूजा करोगे ना साक्षात देखोगे साक्षात रूप में प्रकट होंगे, आप इनसे स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी जो मांगोगे ये गिरिराज सब इच्छा पूरी करेंगे, बोले लाला इन्हीं आंखों से
ठाकुर का दर्शन मिलेगा। बोले हाँ पिताजी, इन्हीं आंखों से आपको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन मिलेगा। बोले फिर लाला, हम तो इंद्र पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। बोले जाओ ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी गिरिराज गोवर्धन के लिए उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर चार तरह का चावल बनवाए। माइकी वाला ए लड़का सफेद बनवा, इसने चार तरह का चावल बनवाए। एक फीका चावल, एक मीठा मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक मटर पनीर चावल, चार ही तरह का चावल बनवाए। हम लोगों ने कितना तरह के चावल बनवाए? दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हैं, और राड कढ़ी बगैर पकौड़े को भी बनाते हैं। दो तरह का चूरमा बनाए, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब जिसको पतल में रखकर खिल जाए, और रोना मतलब जिसे घी टपकता है। और वहां पर दाल तो पांच तरह का बनवाए, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मटर की दाल, छोले की, पांच तरह की दाल बनवाए। पराठा तो दस तरह का पराठा बनवाए, गोभी की, मूली की, बथुआ की और मेथी की, इतने पराठा बनाए। इसलिए उसको नाम हो गया अन्नकूट। कूट मतलब क्या? पर्वत। अन्न मतलब अन्न की। 365 गांव ब्रज में अभी भी है, करली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव उठान देखोगे, अभी भी ब्रज में 365 गांव। इतने वहां पर खाना लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया खाने खाने में। इतने में कृष्ण अपना हाथों से गिरिराज के अभिषेक की, उनको पुष्प चरण में दिया, आसन दिया, पाद्य देकर गिरिराज को बुलाया। अब हर चीज में इसमें तुलसी रख दिया। अरे तुलसी रखेगी नहीं जब तो भोग लगा दो, इसलिए तुलसी रख करके उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को भोग नहीं लगाया ना, तुलसी रख दिया। भोग लगाना पड़ेगा ना प्रभु जी, आप बैठो, उसको भोग लगाना पड़ता है। इसलिए इसे गोपाल मंत्र में ना उसको भोग लगाना पड़ता है, गोपाल मंत्र पढ़नी चाहिए। अभी हमारे प्रभु जी भोग लगाते हैं। इसलिए जब उन्होंने गिरिराज को उन्होंने आह्वान करके जो बुलाया ना, सचमुच से श्री गिरिराज गोवर्धन एक साइड हो जाए, इधर नहीं थोड़ी सी साइड हो जाए। इसलिए जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की बुलाया, सचमुच से गिरिराज प्रकट हुए, सब दुनिया देख रहे थे, विशाल रूप धारण किए हुए थे। और गिरिराज जी बोल रहे थे, देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन जो व्यक्ति ये गिरिराज की अन्नकूट में एक अन्न का दाना मेरी सेवा में लगा दी, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। स्वयं गिरिराज की बात बताए। इसलिए गिरिराज हाथ बढ़ा बढ़ा करके खा रहे थे, हाथ बढ़ा बढ़ा करके खा रहे थे, मिनट में खत्म कर दिए। बोले आनो रे और लाओ और लाओ। बोले भैया गरीब ब्रजवासी आप इसमें ही खुश हो जाओ, प्रसन्न हो गए, सबका आशीर्वाद दिया। बोले जिसकी मन में जो कुछ इच्छा मांग लो, आपके मन में जो कुछ इच्छा है ये गिरिराज जी है, आप इनसे सब कुछ मांग लो। लेकिन हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये संसार की जो वस्तु है ना, ये आसानी से गिरिराज गोवर्धन दे देते हैं, लेकिन इनसे ऐसे एक चीज मांगो जो इसी जीवन में भी सुखी रहोगे और जन्म जन्मांतर में सुखी रहोगे। वो क्या है? उनकी चरण की भक्ति और इनकी चरण की सेवा को प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सबको भक्ति और शक्ति प्रदान की। कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। भगवान कृष्ण स्वयं ये ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। बोले श्री गिरिराज महाराज उनको ले आओ। हरे कृष्ण और बच्चों को ले आ। वैसे गिरिराज बाबा की। देखो ये जो गिरिराज शिला है ना, हम बीच में रख करके परिक्रमा करके, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
श्रीराज बाबा की श्री नंद बाबा की श्री मैया यशोदा की श्री कृष्ण कन्हैया की श्री ताऊ भैया की जय जय श्री श्रीराम। देखो अभी हमारे प्रभु जी गिरिराज जी के भजन गाएंगे और जो व्यक्ति गिरिराज की भजन में नाचते है ना गिरिराज सब संकट दूर कर देते हैं सारे विपत्ति को दूर कर देते हैं इसलिए सबके सब हाँ कोई चेयर दे दो इसलिए सबके सब खड़े होकर के और सबके सब गिरिराज उत्सव में नाचना ठीक है सबके सब खड़े हो जाओ और गिरिराज भजन में नृत्य करना I'm gonna make you mine.